प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम तो हो गया ना। नहीं सर, उन्होंने हाँ, लिखा था एक्सक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी। एक्सक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी मुझे नहीं पता फिर यार, क्योंकि मुझे लगा मॉर्फोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे पता करना पड़ेगा फिर। तो आपको तो सिलेबस मिला है ना, फिर उसमें तो दिया होगा, क्या दिया है उसमें? सर उसमें लिविंग वर्ल्ड दिया है और एनिमल किंगडम को एक्सक्लूड किया है। एक्सक्लूड किया है, प्लांट किंगडम है सर। प्लांट किंगडम है ना, तो आएगा ना फिर, लिविंग वर्ल्ड आएगा, प्लांट किंगडम आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आएगा क्या? सर लिविंग वर्ल्ड नहीं आ रहा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा तक और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहा है, इनफ्लोरेसेंस तक। ठीक है फिर, डन। तो मॉर्फोलॉजी तक आएगा, क्योंकि ये पेपर मतलब उनका भी हुआ था ना ऑरेंज हाउस का, तो भी वैसा ही था, इन्फ्लोरेसेंस तक पूछा गया था, तो उसी बेसिस पे मैंने आपको बताया। वैसे ही है ना, उतना ही सिलेबस आपको भी देते हैं जितना उनका आता है ना? एक्चुअली सर इंडिगो हाउस में अलग दिया है पोर्शन। अच्छा, नहीं ठीक है, वो तो आप एक काम करो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लांट किंगडम तो पढ़ ही लो, मॉर्फोलॉजी को इन्फ्लोरेसेंस तक पढ़ो, ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस तक पढ़ लो पक्का। यस, रेसिम के टाइप वगैरह सब, ओके ठीक। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग यार शुरू करते हैं पोर्शन को। देखो यहाँ पे स्क्रीन चला गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो मैंने ये कहा था यार, जो डेहिसेंट इंडेहिसेंट तो ठीक है, बट साइजोकार्पिक फ्रूट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ बहुत ही सिंपली मुद्दा है बेटा, कि साइजोकार्पिक फ्रूट का मतलब है कि इनमें क्या होता है ना, ये फ्रूट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटता है। डेहिसेंस तो होता नहीं है, ठीक है, बट है ना यहाँ पे देखो पांच डिफरेंट टाइप है, जैसे कि लोमेंटम है, या ओके लोमेंटम है, क्रीमोकार्प है, रेग्मा है, कैरिफेरुलस है, यूट्रिकल है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बताई थी, वो थी बेटा कंपाउंड समारा, करेक्ट है, मैंने अलग से बताया कंपाउंड समारा है ना, इसको हम लोगों ने बोला, या डबल समारा इसको मैंने कहा था, वो भी आप लोग याद, मतलब सिक्स्थ पॉइंट आप लोग इसमें याद रख सकते हो। एनीवे तो चलो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। देखो या लोमेंटम आपने सबने देखा है, सबने देखा है, खाया भी होगा है ना, बहुत से लोग इसको खाते हैं, इमली, इमली कभी खाते हो आप लोग? यस यस, ठीक है, खट्टी इमली। सो दीज आर द बाई सेटरल फ्रूट्स, दोनों तरफ से क्रैक हो सकते हैं, वो बाई सेटरल फ्रूट है, विच आर कॉन्स्ट्रिक्टेड और डिवाइडेड इन वन है ना, और एक एक सीड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखो आप, और इसके टुकड़े हो जाते हैं यार, ये एक टुकड़ा है ना, बोटी, बोटी बोलते हैं हम लोग है ना, इमली की बोटी है, जो क्या बोलते हैं, इमली की बोटी है, इस तरह से, तो छोटा छोटा एक एक फ्रैगमेंट इसका टूटता चला जाता है इस तरह से, और फिर उसमें से सीड बाहर निकलते हैं। सो दीज आर बायसेटरल फ्रूट्स विच आर कंस्ट्रिक्टेड और डिवाइडेड इन वन सीडेड मेरिकार्प। देखो यहाँ पे मेरिकार्प बोलते हैं एक एक यूनिट को है ना, After maturity, these mericarps separate with each other. तो ये सारे एक दूसरे से separate हो जाते हैं। Example है बेटा tamarind, ये example आप याद रख सकते हो, आपने बहुत जिंदगी में देखा है इसको। उसके बाद cassia fistula, mimosa pudica, ये देखो ये best example है बच्चों। Arachis hypogea, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड नट आपने जरूर खाया होगा, ठीक है, जिसको पीनट बोलते हैं, ग्राउंड नट कहते हैं, और ये दो चीजें तो बढ़िया से आप लोग याद रख सकते हो। इवन अगर आपने बबूल, ये नाम सुना होगा, बबूल का जो फल आता है, ठीक है, बबूल, बबूल पैसे वसूल, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको ये समझ में आना चाहिए। टैमेरिंड, एराचिस हाइपोजिया, बबूल, ये कुछ प्लांट्स है जिनमें आपको लोमेंटम जो देखने को मिलता है। नाउ देखो क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प आप सबने खाया है, सब ने, ठीक है, और लोग, कुछ लोग नहीं खाते हैं, बट सब लोग खाते हैं मैक्सिममली। सो दिस इज अ डबल सीडेड फ्रूट, इट डेवलप्स फ्रॉम द बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इनफेरियर ओवरी। देखो ये सब आपको पूछने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है, ठीक है। क्रीमोकार्प, इट इज जनरली फाउंड इन द अम्बिलिफेरी फैमिली,
देखो यहाँ पे अम्बिलिफेरी फैमिली है यार, आपको दिखाया जा रहा है फोनिकुलम वल्गे, जिसको सौंप कहते बेटा आप लोग, ठीक है, सौंप 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 तो आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है। सो फोनिकुलम वल्गे तो ये है, अगर आप कभी भी सौंप खरीदते ना तो इसमें से मतलब आपको कभी कभी ऐसा एक है ना ये देखने को मिलता है, ये जो है सेंट्रल एक्सिस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये पहले ऐसे यूनाइटेड होता है, आप बड़े बड़े वाले दाने देखो सौंप के, ठीक है, फेनिकुलम के, तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ऑन मैच्योरेशन इट रप्चर्स स्प्लिट्स फ्रॉम द एपिक्स टू द बेस इन सच अ वे दैट टू मेरिकार्प्स आर फॉर्म्ड एंड ईच मेरिकार्प कंटेन्स वन सीड। तो देखो जो इस तरह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये एक मेरिकार्प है, ये एक मेरिकार्प है, और ये जो है उसका एक ब्रांच है जिसको हम लोग कार्पोफोर कहते हैं, कार्प मतलब फ्रूट, फोर मतलब ब्रांच, दैट कार्पोफोर। सो सी इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि बच्चों कोरिएंडर, धनिया में ऐसा होता है, ठीक है, धनिया अगर आप देखोगे तो है ना, धनिया के जो दाने आते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, कैरेट में आपको देखने को मिलता है डाउकस कैरोटा, देन जीरा जो होता है जिसको हम लोग क्यूमिन सीड बोलते हैं, ना इसका बॉटेनिकल नेम है क्यूमिनम, एंड देन फनिकुलम दैट इज द सॉप, या जिसको हम लोग कहते हैं फेनल, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो आपने जरूर देखी है, खाई होगी। तो इसमें डाउकस कैरोटा जो है मतलब कैरेट का फ्रूट आपने बहुत से कम लोगों ने देखा होता है, बट धनिया जो है कोरिएंडर आपने जरूर देखा है, जीरा आपने देखा होगा, तो आपको जीरा में या धनिया में या सौंफ में कार्पोफोर देखने को मिलेगा, है ना, आप आराम से देखो थोड़ा सा तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट वन है द रेग्मा। अभी देखो रेग्मा मतलब ये, इसको देखो ऐसे अगर आप देखोगे तो उसमें देखने को मिल रहा है, ये जो होते हैं कटहल जैसे फ्रूट्स होते हैं जिनको लोग खाते भी है, इसकी सब्जी बनती है, ठीक है। सो दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ट्राई टू पेंटा कार्पलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी। आप यहाँ पे रियली देख पा रहे हो इन रियल टाइम बेटा कि ये ट्राई कार्पलरी है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, काट के देखा है तो बेटा ट्राई कार्पलरी दिखाई दे रहा है ना। सो इन इट 3 to 5 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट, या तो तीन, यहाँ तो तीन लोक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं, आर प्रेजेंट एंड इट ब्रेक्स इन टू 3 to 5 वन सीडेड पार्ट्स। ये एक एक से एक दूसरे से टूट जाएंगे और एक एक सीड निकलेगा। सो ईच पार्ट इज नोन एज अ कोकस। अभी क्योंकि ये सर्क्यूलर है, ठीक है, तो ये टूटेगा तो भी बेटा इसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, तो इनको हम लोग कोकस बोलते हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ग था बेटा, इमली था ऐसा, इसको तब उसको हम मेरिकार्प बोल देते हैं, ठीक है। तो वेरी अलग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर देयर। एट द आउटर साइड ऑफ द पेरिकार्प स्पाइंस आर फाउंड, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था उसके स्पाइंस थे। एग्जाम्पल है जैसे कि अरंड जो है कैस्टर, कैस्टर का फ्रूट अगर कभी आप लोग देखोगे, एरंडी बोलते हैं उसका, देखो रिसिनस नाम है यार, है ना, बॉटेनिकल नेम है रिसिनस, इज द कैस्टर्स नेम, ठीक है। तो यूफोरबियासी फैमिली है कैस्टर या रिसिनस, हैज अ 3 कोकाई एंड जर्मी जेरियानियम हैज अ 5 कोकस। तो है ना, इसके बारे में याद रखो बस, कैस्टर, कैस्टर में आपको रेगमा नाम का फ्रूट देखने को मिलता है। तीसरा है बेटा कार्सेरुलस, ठीक है, तो हमने पढ़ा लोमेंटम इमली वाला, ठीक है, अराची साइपोजिया ग्राउंडनट वाला, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने क्रिमोकार्प, क्रिमोकार्प में आप लोगों ने पढ़ा बेटा सौंफ, धनिया, जीरा, ये सब, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा रेगमा, रेगमा में कैस्टर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना, उसमें ना, तीन तीन कोकस होते हैं, एंड देन दिस इज व्हाट द कार्सेरुलस। बोलो सर, कोकस आपने क्या बोला सीड का? कुछ नहीं, अरे वो छोटे छोटे यूनिट में टूटते हैं ना, मोटी मोटी जो टूटती है उसकी, ठीक है। अगर ये लॉन्ग है ना, ऐसे लॉन्ग इमली जैसा, तो उसकी है ना, या मूंगफली जैसा, तो एक एक को हम लोग मियोकार्प बोलते हैं छोटे छोटे यूनिट को। बट अगर ये सर्क्यूलर होगा ना, जैसे वो फ्रूट था अभी, तो उसमें यहाँ पे एक सीड था, यहाँ एक सीड था, यहाँ एक सीड, तो जो ये टूटेंगे तो इसको हम लोग कोकस बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर है इस तरह से, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया में भी कोकस, ये वर्ड आपने सुना होगा, सर्कुलर बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, यस सर। सो वैसा यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वैसे तो सेम ही है, साइजोकार्पिक फ्रूट है, छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं इनके।
अब यहाँ पे देखो कार्से रुलस, ये बहुत कम लोगों ने देखा होता है। जैसे देखो अभी कभी आप लोगों ने तुलसी के फल देखे हैं, तुलसी ऑसिमम सैंक्टम है ना, तो यार इनके केस में आपको ऐसे छोटे छोटे फ्रूट देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, फ्रूट आपके सामने है प्रॉपरली अरेंज, एक एक लोब्यूल आपको अलग अलग से दिखाई देगा, ये टूट के गिरेगा। सो दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मल्टी कार्पेलरी और बाय कार्पेलरी सिनकार्प सुपेरियर ओवरी। इट इज डिवाइडेड इंटू 4 वन सीडेड लोक्यूल्स, इसमें 4 वन सीडेड लोक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल बेटा ऑसिमम सेल्विया, ये दोनों ही एग्जाम्पल हमेशा एक साथ होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर मैरीगोल्ड हमेशा एक साथ देखने को मिलते हैं, वैसा ही बेटा ये है ना आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कार्से रुलस नाम का फ्रूट में। देखो एक और है यूट्रिकल, अब यार देखो ये सही मायने में या तो साइजोकार्पिक नहीं बोलेंगे, मतलब ये तो ना डेहिसेंस होता है ना इनडेहिसेंस होता है, ठीक है, छोटा सा फ्रूट है क्या है ना। यहाँ पे देखो यूट्रिकल बहुत छोटे होते हैं, इट इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट विच हैज अ थीन मेम्ब्रेन, मतलब देखो ये सीड है ये थीन मेम्ब्रेन है खत्म। इट ब्रेक्स जनरली फ्रॉम कैप, यहाँ कैप जहाँ पे होता है वहां से वो ब्रेक होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द बायकार्पेलरी यूनिलोक्युलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल है बेटा अखाइरेंथस एमेरेंथस, नाउ सी यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे कितना छोटा सा बेटा फ्रूट आपको देखने को मिलता है वॉल्फिया एंगुस्टा। वॉल्फिया एंगुस्टा इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स, करेक्ट है, मैंने आपको बताया था है ना, अंगूठे के ऊपर बहुत सारे आते हैं, yes, sir. ऐसे छोटे छोटे दाने दिखाए थे, अब ये बड़ा उसका इमेज है। अब मजेदार बात है कि अगर आप इसको क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये जो छोटा सा पॉकेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वो ओपनिंग है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये सिंपल सा ग्रीन एक पूरा एंटायर लीफ है ना प्लांट है, ठीक है, ये है पेरेंट प्लांट एक्चुअली, ये इतना एंटायर पेरेंट प्लांट है, ठीक है। और देखो इसके बडिंग भी होती है ना, बट इसके अंदर देखो फिलामेंटस स्टेमेन प्रेजेंट है, यू कैन सी दिस फिलामेंटस स्टेमेन हियर, यस, उसके बिल्कुल बाजू में बेटा सर्कुलर स्टिग्मा एंड ओवरी एंड गायनोशियम, मतलब गायनोशियम प्रेजेंट है, मतलब देखो इसमें एक एंथर है ना, एक स्टेमेन है, एक क्या बोल सकते हो जैसे ओवरी भी प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से बेटा एक एंटायर स्मॉल लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर उस पूरे चीज को कवर कर रहा है, ये वाला जो एंटायर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये सारे क्या है रे गोल गप्पे हैं, है ना, गुपचुप गोल गप्पे पानी पूरी है कि नहीं, यहाँ यहाँ से फोड़ा है दाने डाल फोड़ के उसमें है ना पानी डाला है और बेटा वो मटर वटर की सब्जी डाल दी, वैसे लग रहा है ये गोल गप्पे, बट आप इसको साइड से देखोगे तो आपको ये गोल गप्पे सही सही दिखाई देंगे छोटे छोटे, ठीक है। ये जो पोर होता है यहीं से ये निकलते हैं और देखो यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन होगा, इसी का एंटायर ये जो छोटा सा है इसका बनता है फ्रूट, पानी में रहते हैं इसीलिए इसको हम लोग यूट्रिकल ये नाम देते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल वेरी नॉर्मल थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। देखो ये थे बेटा सारे डिफरेंट टाइप्स, मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कंपाउंड समारा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था समारा जो है एक एकेनियल फ्रूट है, एकेनियल, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, ठीक है, एकेनियल था, उसमें विंग्ड फ्रूट थे, मतलब जो फ्रूट होते उसको विंग्स होते हैं उड़ने वाले फ्रूट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ कंपाउंड समारा में जितने भी छोटे छोटे मतलब कोकस जो फ्रूट एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये कोकस छोटे छोटे फ्रूट जब अटैच होते हैं तो पता चलता है कि उनको भी विंग्स है, तो सारे जितने भी छोटे छोटे फ्रूटलेट्स हैं उन सब के विंग्स होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कंपाउंड समारा कहते हैं। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग एग्रीगेट फ्रूट की तरफ। देखो एग्रीगेट फ्रूट मैं आपको रिवाइज करा दूं बच्चों, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सिंपल फ्रूट कौन से फ्लावर से बनेगा, आंसर है सिंपल फ्रूट फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपल एक सिंगल फ्लावर, जिसमें मोनोकार्पेलरी ओवरी है या तो जिसमें मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है वहां पे सिंपल फ्रूट बनता है। बट
एग्रीगेट फ्रूट कैसे बनेगा? बट देखो, एग्रीगेट फ्रूट बनने के लिए कंडीशन चाहिए कि ओवरी या गायनोशियम मस्ट बी मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। फर्क देखो, नोटिस करो, सारे जो है एक दूसरे से फ्री नहीं है, सारे कार्पेल एक दूसरे से है ना फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो इसीलिए वो अलग अलग एक साथ है ना फ्रूट बनाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, नंबर हम काउंट कर सकते हैं। कभी आपने सब ने कस्टर्ड एप्पल खाया है, कंज्यूम किया है? यस सर। तो आप बिल्कुल काउंट कर सकते हो बच्चा, नंबर बाहर से ही काउंट कर सकते हो, मतलब उसका जो ग्रीन पोर्शन होता है ना, उस ग्रीन पोर्शन से आप काउंट कर सकते हो कि उसमें कितने सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं। यस, कैन यू काउंट? यस सर। है ना, अंदर तो खाने खाते वक्त तो समझ में आ जाता है, ऐसे व्हाइट कलर का होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है, ठीक है, तो व्हाइट व्हाइट कलर वाला पोर्शन हम लोग खा जाते हैं, सही है। तो आप बाहर से काउंट कर सकते हो, तो ये है कि कितनी ओवरीज है ना, मतलब वहां पे आप काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए वो फ्री ओवरीज है, एपोकार्पस कंडीशन है। सो इन एपोकार्पस ओवरी ईच कार्पेल इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड इट फॉर्म्स अ फ्रूटलेट। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे फ्रूटलेट्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, एंड दीज फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ बंच ऑफ फ्रूटलेट्स, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इटेरियो, ऐसा हमने नाम उसको रखा है, दैट बंच ऑफ फ्रूटलेट्स इज कॉल्ड एज द इटेरियो, ठीक है। ओके, तो देखो यार, अब आपने सही में जिंदगी में स्ट्रॉबेरी जरूर देखी होगी, है ना, सबने देखे स्ट्रॉबेरी। यस सर। यस सर। स्ट्रॉबेरी में भी आप काउंट कर सकते हो, चुपचाप बैठ गए एक कोने में, तो यू कैन काउंट नंबर ऑफ एकेनीज कितनी है उसमें, ठीक है, यू कैन काउंट। यस, पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, मतलब वो व्हाइट डॉट। यस बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो व्हाइट डॉट है ना, ये आप बिल्कुल काउंट कर सकते हो, छोटे छोटे उसके सीड अपीयरेंस आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। रास्पबेरी है, या तो मलबेरी है, सॉरी ब्लैकबेरी है, मलबेरी नहीं है, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, इसको भी आप काउंट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तीसरा देखो, कस्टर्ड एप्पल में भी आप बिल्कुल बाहर से काउंट कर सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन, करेक्ट। सो देखो, यहाँ पे हम लोग कार्पेल्स को काउंट कर सकते हैं, फ्रूटलेट्स को काउंट कर सकते हैं, हर एक कार्पेल से अलग फ्रूट बनेगा, फ्रूटलेट बनेगा, जो एक दूसरे को चिपके हैं उनको हम इटेरियो ये वर्ड करते हैं। नाउ सबसे मजेदार बात ये है कि जेली फिश इज नॉट ए फिश, है ना, स्टार फिश इज नॉट ए फिश, वैसा ही यहाँ पे अब हमें चीजें समझनी है। देखो यहाँ देखो, मिलता है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, अब ये चीज क्या है भाई, Each fruitlets of itario is a follicle. तो हर एक फ्रूट जो है फॉलिकल है ना, लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी, फॉलिकल, यू हैव है ना सीन द फॉलिकल। सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि कैलोट्रोपिस है, या कैथेरेंथस नाम का प्लांट है, या मैग्नोलिया, इन सब के केस में आपको है ना देखने को मिलता है इटारियो ऑफ द फॉलिकल। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इन देखो, इन कैलोट्रोपिस ओनली स्टिग्मास आर फ्यूज्ड और जॉइंटेड, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिनैंड्रस, सिनजेनेशियस, ये सब कंडीशंस पढ़ी है, यू नो, ठीक है, गाइनैंड्रस कंडीशन बेटा आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ फॉर द कैलोट्रोपिस, ठीक है, तो उसके वजह से वो जो फ्रूट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच आपको देखने को मिलते हैं। इट मीन्स ओनली टू फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द कैलोट्रोपिस, तो इसीलिए कैलोट्रोपिस में दो ही बेटा आपको फॉलिकल देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मिशेलिया, मतलब चंपा, ठीक है, इसके केस में बेटा आपको बहुत सारे फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, लॉट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, सो यू कैन सी, सो इट इज द इटारियो ऑफ द फॉलिकल्स। दूसरा है बेटा इटारियो ऑफ द एकेनिस, नाउ अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रॉबेरी इज नॉट द बेरी, स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं है, ठीक है, इट इज एन इटारियो ऑफ एकेनिस, क्लियर है। सो आप यहाँ पे डेफिनेटली बेटा काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एकेनिस, कैन यू? यस सर, यस यू कैन,
ठीक है, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एकेनी, सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं ना एकेनी, ठीक है. सो इन दिस टाइप ऑफ द एग्रीगेट फ्रूट ईच फ्रूटलेट इज एन एकेनी, ठीक है, हर एक फ्रूटलेट बेटा एक एकेनी है. रेनैनकुलस, ये नाम आपको सुनने को मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, याद रखना रेनैनकुलस. अभी याद, अभी सिर्फ स्ट्रॉबेरी याद रखो. स्ट्रॉबेरी क्या है? इट्स एन इटारियो ऑफ एकेनी. देन आता है बेटा इन लोटस, इन स्ट्रॉबेरी, हर जगह पे इन रोज आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफ एकेनी. देन आता है बेटा इटारियो ऑफ ड्रूप्स. अब ये जो बच्चों रास्प बेरी है या तो ब्लैक बेरी है, इनके केस में जो एक एक सिंगल फ्रूटलेट है बेटा वो एक्चुअली ड्रूप है. मतलब ऑब्वियसली बेटा हर एक फ्रूटलेट में स्टोनी एंडोकार्प प्रेजेंट है. व्हाट इज ड्रूप? जिसमें स्टोनी एंडोकार्प होता है, ठीक है. तो इटारियो ऑफ ड्रूप्स का एग्जाम्पल है रास्पबेरी, ब्लैकबेरी. इससे है ना आगे बढ़े तो हम लोग, मैं इसके बारे में भी बता दूं आपको, कस्टर्ड एप्पल क्या चीज होती है. कस्टर्ड एप्पल होता है बेटा इटारियो ऑफ बेरीज. दैट इज व्हाट द पॉइंट. कस्टर्ड एप्पल इज नॉट है ना पोम, इट्स नॉट अ एप्पल, इट इज द इटारियो ऑफ बेरीज, ठीक है. But strawberry is not itario of the berry. Even blackberry and raspberry are not the itario of the berries. You have to understand this. ठीक है, उनके arrangements हम लोग जानते हैं, उनको हम लोग क्यों drupe कहते हैं या क्यों berry कहते हैं इस तरह से. तो ये हो गया बेटा itario वाला फंडा, ठीक है. उसके बाद आता है बच्चों composite fruit. अभी composite fruit का क्या मतलब है यार, बड़ा ही simple है यार ये. देखो जब भी ऐसा होता है कि कंपोजिट फ्रूट, मतलब अगर एंटायर इनफ्लोरेसेंस अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहते बेटा कंपोजिट फ्रूट. इजी, क्या कंडीशन है? एंटायर इनफ्लोरेसेंस कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ठीक है. देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियर हो. सिंपल फ्रूट में मोनोकार्पेलरी ओवरी या तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी जो होती है गायनोशियम, उससे सिंपल फ्रूट बनता है. यस, क्लियर? यस सर. और उसके बाद में बेटा अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दी व्हाट वी कैन से अबाउट दी एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनोशियम से. बट दोनों ही सिंगल फ्लावर से बने, है ना, एक ही फ्लावर है मोनोकार्पलरी है, एक ही फ्लावर है मोनो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस है या मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एंटायर इन्फ्लोरेसेंस मतलब पूरे के पूरे फ्लावर जो है वो सब मिल करके बेटा बनाते हैं. सो ऑल कंपोजिट फ्रूट्स आर फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट्स. देखो यहाँ पे ओवरी के अलावा बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं. दिस टाइप ऑफ फ्रूट डिफर फ्रॉम द एग्रीगेट फ्रूट दैट इन प्लेस ऑफ अ सिंगल ओवरी many ovaries of many flowers and other floral parts combine together to form a fruit. मतलब entire inflorescence जो है बेटा, ठीक है, इसमें participation करता है. In composite fruit, entire whole inflorescence is modified into fruit. Now इसके दो type हमें पढ़ने हैं. एक type है बेटा sorosis, ठीक है. देखो दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, एक है रेसिमोस एक है साइमोस, ठीक है. अब ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि सोरोसिस में है ना रेसिम अगर इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिम रेसिमोस, तो उससे जो फ्रूट्स बनते हैं वो सोरोसिस कहलाए जाते हैं, ठीक है. नाउ दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द स्पाइक. स्पाइक एक रेसिम है, स्पैडिक्स भी एक टाइप ऑफ रेसिम है, कैटकिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेसिम. जैसे कि आपको फ्रूट देखे होंगे जैसे कि जैक फ्रूट, एंटायर जैक फ्रूट इज एन इन्फ्लोरेसेंस, है ना. केवड़ा मतलब स्क्रू पाइन में भी आपको देखने को मिलता है. देखो पाइनएप्पल, ये है पाइनएप्पल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, अनानास बोलते हैं इसको, ठीक है. ये जो है डेफिनेटली ये भी बेटा है कंप्लीटली एक है ना कंपोजिट फ्रूट है. मलबेरी, मलबेरी जो है कैटकिन से बनता है ना. यहाँ पे देखो इमेजेस देख लो, देखो ये है बेटा जैक फ्रूट, है ना. देखो पेडेंकल पूरा दिखता है आपको, काट के देखोगे ना बिल्कुल दिखाई देगा, इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ जाएगा. एक्सिस है, आजू बाजू में सीड्स है
है ना, ये देखो ये पाइन एपल है, पाइन एपल का तो ये पूरा क्राउन दिखते है अपने को, है ना, ऊपर का टिप के ऊपर जो भी बर्ड है टर्मिनल बर्ड उसकी ग्रोथ वो दिखाई देता है। और ये सारे बेटा एक 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 फ्लावर से बने हुए एक 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 फ्रूटलेट है इन पाइन एपल। आप देखो कैटकिन क्या था रे, कैटकिन में क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस ऐसे है ना, कैट की टेल जैसा होता है बराबर, है कि नहीं, वीक स्टेम मलबेरी। अब उससे जो फ्रूट भी बन रहे वैसे ही बन रहे यार, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट रेसिमो इन्फ्लोरेसेंस के से बने हुए हैं, डायरेक्ट एंटायर इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे फ्रूट बनते हुए आपको देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों फ्लोरोसिस। ठीक है, यस एवरीवन, एग्री, क्लियर, यस सर, क्लियर है, चलो yes, आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है दूसरा टाइप, फ्लोरोसिस के अलावा दूसरा टाइप है साइकोमस। देखो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, हमने स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपैंथोडियम। ठीक है, हाइपैंथोडियम में ऐसा बेटा है ना फ्लेशी बेटा ऐसा रिसेप्टेकल होता है, यहाँ पोर होता है और अंदर बेटा उसके फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर और स्टराइल फीमेल फ्लावर, है ना, ये सब वहां पे मौजूद होते हैं। और अल्टीमेटली बाद में ये जो है हाइपैंथोडियम जो है इस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सबने अंजीर है ना ये जरूर देखा होगा, है ना। सो स्टेमिनेट फ्लावर्स मतलब देखो मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट नियर द पोर एंड नॉर्मल पिस्टिलेट एज वेल एज गैल पिस्टिलेट, गैल पिस्टिलेट जो होते हैं ना मतलब स्टराइल फीमेल, गैल पिस्टिलेट मतलब स्टराइल फीमेल, ठीक है, गैल पिस्टिलेट मतलब स्टराइल फीमेल। तो ऐसे तीन प्रकार के फ्लावर उसके अंदर होते हैं, बट बेटा वो जो है ना मेनी एकिनीज डेवलप फ्रॉम द पिस्टिलेट फ्लावर, बहुत सारे पिस्टिलेट फ्लावर में से एकिनीज बनती है, छोटे छोटे सिंगल सीडेड फ्रूट बनते हैं, ठीक है। और इस पूरे अर्जमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा है ना साइकोनस, पक्का। इसमें एग्जाम्पल है फीकस के, एग्जाम्पल है जैसे कि फीकस कैरिया जिसको हम लोग फीग कहते हैं, अंजीर कहते हैं, ठीक है, अंजीर कहते हैं मराठी, उमर 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 कहते हैं, है ना। देन देखो यहाँ पीपल का फल है, पीपल का भी होता है फीकस रिलोजियोसा रिलीजियोसा, ठीक है, फीकस रिलीजियोसा। इवन फीकस बेंगलेंसिस उसमें भी बनी एंट्री में भी हमें ऐसा ही फ्रूट साइकोनस बनते हुए देखने को मिलता है। साइकोनस इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द हाइपैंथोडियम नाम का इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये हो गए बेटा सारे के सारे एग्जाम्पल आपके, टोटल जो भी फ्रूट्स के टाइप मैंने लास्ट क्लास और आज का एक क्लास है इसमें हमने कवर किया है, ठीक है। देखो कुछ सिंपल से नोट्स है, जैसे जियोकार्पिक फ्रूट, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, तो ऑब्वियसली बेटा ग्राउंड नट है यार, नाम नहीं पता चलता है ना ग्राउंड नट। तो क्या सर इसके फ्लावर जमीन के अंदर होते हैं क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनता है, तो बिल्कुल सही, इसके फ्लावर्स होते हैं जो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल। नाउ देखो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इस क्लास में बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आते हैं ड्रूप के बारे में। Why? क्यों आते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में यही फ्रूट दिया है और क्या है ना, दो ही एग्जाम्पल दिए, एक मैंगो और एक है कोकोनट, ठीक है, तो दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंगो और कोकोनट, दैट्स इट। तो अंडरग्राउंड फ्रूट्स आर कॉल्ड एज व्हाट द जियोकार्पिक फ्रूट्स, तो अंडरग्राउंड फ्रूट्स को हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, एग्जाम्पल है अराचिस। नेक्स्ट, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, अगर आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि ट्रेंड है आजकल तो एडिबल पार्ट के बारे में आपको क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि यहाँ पे नंबर वन है एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस मतलब लेडीज फिंगर भिंडी, वो कैप्सूल होते हैं और वो एंटायर फ्रूट खाया जाता है, आप भिंडी पूरा खा जाते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा है ना अक्रस सपोटा, सपोटा मतलब चीकू, चीकू एक बेरी है, इसमें आप मिजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं,
तीसरा है एजल मार्वलस, वुड एप्पल या बेल जिसको बोलते हैं, ये एम्फीसार का टाइप है। इसका पल्पी एंडोकार्प और प्लेसेंटा ये दोनों चीजों को कंज्यूम किया जाता है। नाउ द एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल कैश्यू नट, जिसको आप कैश्यू नट जिसको काजू कहते हैं काजू, तो ये एक नट है। इसमें कोटिलेडॉन और पेडिंकल, अगर आप देखोगे तो ये सब नहीं पूछते यार, नहीं पूछते, नहीं पूछते, नहीं पूछते, नहीं पूछते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना क्या, देखो अनानस, अनानस ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अनानस कोमोसस, पाइनएप्पल, ये सोरोसिस है। तो ये पूछेंगे कि ये क्या है, इसका क्या पार्ट एडिबल होता है, पूरा फ्लेशी एक्सिस, ब्रैक्स, फ्यूज, पेरियम, पेरिकार्प, सब खा जाते हैं हम लोग। फिर आता है एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना समोसा, ठीक है। ये जो है कस्टर्ड एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल सीताफल, इसको बोलते हैं इटारियो ऑफ द बेरीज। इसको क्या कंज्यूम करते भाई, उसका मेसोकार्प खाते हैं हम लोग, एज वेल एज थैलेमस कंज्यूम करते हैं। एराचिस हाइपोजिया ग्राउंड नट, ये लोमेंटम में आएगा, सीड्स या कोटिलेडॉन्स कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे बेटा है ना, कैरिका पपाया बेरी है ना, यहाँ पे अब जैक फ्रूट है यार, इस्टोरोसिस है। कुकुमिस मेलो पेपो मतलब मस्क मेलन, कुकुमिस वल्गैरिस वाटरमेलन, कुकुमिस सटाइवस कुकुम्बर, ये सारे बेटा पेपो है। और पेपो में आप मेजोकार्प एंडोकार्प सीड तीनों खाते हो। फीकस कैरिका फीक अंजीर में आप, ये साइकोनस होता है, इसमें पूरा रिसेप्टेकल हम खा जाते हैं, कंज्यूम करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आता है ना, इसका एडिबल पार्ट वगैरह नहीं पूछते, बट राइस ग्रेन मेज है ना, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको सबके बारे पता होना चाहिए, बार्ली ब्रीड वीट मेज और सब बेटा, ये सारे के सारे होल है ना फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। कैरियोप्सिस ठीक है, इसका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाते हैं हम लोग। चावल में हम क्या खाते हैं भाई, पैडी खाए, धान उठा करके खाते हैं क्या, धान नहीं खाते, उसका जो छिलका है पेरिकार सूखा हुआ फेंक देते, निकाल देते, पॉलिश करते और उसका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो सिट्रस रेटिकुलाटा ऑरेंज है ना, या तो लेमन है ना, ये जब होते हैं इनके केस में इसको एस्पेरिडियम बोलते हैं। ग्लैंडुलर हेयर, मैंने जूसी प्लेसेंटा ऐसा भी वर्ड उसको बोला था, क्या बोला था रे, क्वेश्चन आता है इसके बारे में। कोकोनट क्या खाते हैं भैया, ड्रूप है इसका, एंडोस्पर्म खा लेते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म पीते हैं, सॉलिड एंडोस्पर्म खाते हैं, खोबरा ठीक है। ये तो हो गया ठीक है। तो देखो इसके बारे में पता रखो यार, लीची साइनेंसिस लीची, ये नट है और इसका पार्ट खाते हैं एरिल, ठीक है। एरिल क्या है बेटा, थर्ड इंटेग्यूमेंट, मैंने आपको ये है ना बार बार बताया है। तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना ये सब देखो, ये आपको रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, यू विल सी दिस एंटायर थिंग इन द ट्रू मैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी। हाँ बेटा वेजिटेबल फ्रूट ही तो होते हैं, टोमेटो इज अ फ्रूट है ना, टोमेटो इज अ फ्रूट। सर फ्रूट अलग होता है, वेजिटेबल अलग होता है क्या? सर फ्रूट अलग होता है, वेजिटेबल अलग होता है। नहीं नहीं, हमारे लिए वेजिटेबल ऐसी कोई चीज नहीं है, वेजिटेबल हम लोग रेसिपी के हिसाब से बोलते हैं, किसे किस तरह से पका के खाते हैं। तो बेटा चावल क्या है, राइस वीट मेस क्या है, तो यार देखो हम लोग यहाँ पे उनको सीरियल्स बोलते हैं एज पर, या तो सौंफ है, सौंफ क्या है, सौंफ तो वेजिटेबल भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है तुम्हारे हिसाब से, बट मेरे हिसाब से तो फ्रूट है। तो जिस तरह से है ना हमारे लिए फ्रूट क्या चीज है भाई, फ्रूट वो है जिसमें सीड बियरिंग कैपेसिटी हो, जिसके ऊपर पेरिकार्प हो, वो हमारे लिए फ्रूट है, जो ओवरी से बनता हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
है ना, जिसके अंदर है ना सीड हो, एंडोस्पर्म हो, पेरिकार्प हो, वो फ्रूट है ना। हम लोग जनरलाइज टर्म्स यूज करते हैं, है ना, जनरल स्टेटमेंट, व्हाट इज अ प्लास्टिक, यू नो ना, प्लास्टिक क्या चीज है भाई, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक। सो ये जनरलाइज टर्म, प्लास्टिक का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, यू नो द सॉइल, है ना, गीली मिट्टी अगर ले हुए और उससे गणपति बनाओगे तो दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक बिकॉज इट हैज अ प्लास्टिसिटी, है ना, गीली मिट्टी को आप किसी भी फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सो देखो हमारे परसेप्शन के हिसाब से हम जब उनको क्लासीफाई करते हैं, so that is what the point we have to understand. क्या आप मूंगफली को कभी फ्रूट भी बोलोगे? Yes, मूंगफली है भाई, वो फ्रूट है क्या? तो देखो हम अपने बहुत लिमिटेड नॉलेज से जब दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस यही है, दुनिया खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको एक प्रॉपर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी टू रियली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एनीवे, सो लेट्स मूव अहेड। तो देखो ये सारी चीजें दी है बच्चों, मतलब दिस इज एंटायर लिस्ट इज देयर, ठीक है। मैंने कहा आपको इसका मैंने रेफरेंस दिया, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, यस एवरीवन गॉट इट, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा भाई, यस, है ना, इट इज देयर इन द, मतलब इतने सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जब PYQs करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि यार देखो ये चीज है, ये चीज है। देखो विटिस विनिपेरा ग्रेप्स क्या खाते भाई, बेरी है यार, बेरी क्या खाते उसमें, पेरिकार प्लेसेंटा सब खा जाते हैं। ट्रैपा, ट्रैपा को कितनी बार बताया मैंने, सिंगाड़ा बोलते हैं उसको, क्या खाते, वो नट है, उसका सीड खा जाते हैं हम लोग, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, तो ये रहा बेटा एंटायरली हमने जो पढ़ा वो था रिगार्डिंग द फ्रूट्स, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो था फ्रूट्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकली हम लोगों को चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैमिलीज हमारे NCERT में दिए हैं। नो डाउट हमारे नोट्स में मालवेसी कंपोजिटी इनके बारे में भी मेंशन किया गया है, बट उनके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि अभी के ट्रेंड के हिसाब से NCERT से क्वेश्चन आते हैं, तो चार फैमिलीज तो हमें सही ढंग से पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी देखो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं इसमें, फ्लोरल डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। नाउ वन बाय वन हम लोग चीजों को समझेंगे। अगर मुझे फ्लोरल डायग्राम बनानी है तो मैं पर्टिकुलर सिंबल्स बनाता हूँ। अगर आपको याद हो तो बच्चों मैंने ऐसा एक सिंबल बनाया था और ऐसा सिंबल बनाया था और कहा था कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, यही है ना, ऐसे चीजें हमें पढ़ी थी। तो हम लोग किसी भी फ्लावर के अरेंजमेंट्स को समझ सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि सपोज BR लिखा है तो फ्लावर में ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियट, BRL तो ब्रैक्टियोलेट, है ना, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है, EBR है तो ई ब्रैक्टियट, है ना, EBRL है तो बेटा ई ब्रैक्टियोलेट, ठीक है। बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी नहीं करते फॉर्मूलाज में, डायरेक्ट लिख लेते लोग। नेक्स्ट देखो ऐसा सिंबल है तो मेल फ्लावर, ऐसा है तो फीमेल फ्लावर, ऐसा दोनों ही है तो बेटा बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। देखो ऐसा प्लस सिंबल है तो एक्टिनोमार्फिक, परसेंटेज है तो जाइगोमार्फिक, एक्स्ट्रा कैलिक्स है तो ईपी लिख लेते, ईपी कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेपल्स फ्री है तो के फ्री है, बार अगर सेपल फ्यूज्ड है तो बेटा के नीचे जो नंबर होगा वो ब्रैकेटेड है, ठीक है। सी कोरोला है ना, फ्री पेटल्स, सी कोरोला ब्रैकेटेड, पेटल्स आर फ्यूज्ड, गैमोपेटलस कंडीशन। सी एक्स मतलब देखो क्रूसीफेरी फैमिली है, उसमें चार ही होते हैं तो चारों ऐसे क्रॉस फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए सी एक्स लिखते हैं क्रॉस,
अगर देखो कभी हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए पेरियंथ और सॉरी कैलिक्स और कोरोला को, उनके बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो उसे हम लोग कहते बेटा पेरियंथ। ए फॉर एंड्रोशियम ब्रैकेट है तो बेटा फ्यूज्ड एंड्रोशियम। पी ए मतलब देखो पेरियंथ के ऊपर एंड्रोशियम है तो एपिफाइलस कंडीशन है ना। सी ए सी और ए यहाँ पे अगर आर्क है तो बेटा एपिपेटलस कंडीशन, पेटल के ऊपर एंड्रोशियम आता है। तो अभी तो यहाँ पे नोटिस क्या करना है, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, जितनी चीजें जितनी टर्मिनोलॉजी जितने टेक्निकल वर्ड पढ़े हैं उनको हम लोग एक एक सिंबल में देख रहे हैं। यहाँ पे एक एक सिंबल है। जी का मतलब गाइनोशियम, जी ब्रैकेट में है तो गाइनोशियम सिनकार्पस है। जी के नीचे अंडरलाइन है तो बेटा सुपीरियर ओवरी है। जी के ऊपर है ना अंडरलाइन वाला जो हैपेन है तो इनफेरियर ओवरी है। और जी के साथ में ए आर्क लगाया हुआ मतलब गायनोस्टेज है, मतलब पेटल गायनोस्टियम के ऊपर स्टेमेन आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल है जिनको हम लोग यूज करते हैं। नाउ इज इट है ना बहुत वेरी बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आर यू श्योर? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना, अभी ना अभी तक तो जो भी आपने पढ़ा ना उसका सबका अप्लीकेशन है और इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग एक्चुअली आगे पढ़ने वाले हैं, वहीं से मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिम्बॉल्स हम लोग यूज करते हैं। बट जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखो यार फ्लोरल डायग्राम के केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जब भी आप फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर यार किसी न किसी एक्सिस के ऊपर अटैच रहेगा। तो ये जो है ना, ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया ये है, इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। तो अगर आप इसको यहाँ से सेक्शन लेते हो तो ऑब्वियसली बेटा आपको हमेशा एक मदर एक्सिस ऊपर फ्लावर के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये जो चीजें हैं जो आपको बाहर से ये व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये है कैलिक्स, अंदर जो ब्लैक कलर के बेटा वो है कोरोला, ये व्हाइट कलर के है बेटा एंड्रोशियम और ये है बेटा कार्पेल। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसके वर्ल्स जो है, अगर हम लोग ऊपर से काट करके उसको देखेंगे तो वर्ल्स कैसे अरेंज है, सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ठीक है, यहाँ पे बेटा ईपी कैलिक्स भी मौजूद है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बेटा वो बाहर भी एक ईपी कैलिक्स। तो बेटा ईपी कैलिक्स बड़ी रेयर चीज है जो आपको हर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती। नाउ देखो मैं एक पहले तो सिंपल पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे बच्चों यहाँ आ जाते हैं। Anyway, so what we do here, you know, just one thing we have to understand here. Okay, this is one. Okay, so देखो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्लांट है, एक सिंपल सा प्लांट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला लिख दिया यार, मतलब एक फ्लावर है उसमें ये सब अगर मैंने लिखा, देखो बी आर ऐसे लिखा है ना, बी आर, फिर उसको ऐसे लिख दिया, फिर उसको ऐसे लिख दिया, एंड देन व्हाटएवर आई राइट, यू नो, जस्ट आई विल राइट समथिंग हियर, यू नो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि के फाइव ब्रैकेट में सी फाइव ए टेन जी, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, एंड आई विल राइट डाउन दिस वन। सो अगर मैंने ये लिखा तो इसका क्या मतलब है, जो भी फ्लावर या स्पीसीज को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कंडीशन है, ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल फ्लावर है ना, पांच सेपल्स है कैलिक्स में और पांचों फ्यूज्ड है ना, पांच पेटल्स है, पांचों फ्री है, टेन एंड्रोशियम, ठीक है, ऑल आर फ्री, एंड देन बायकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी,
बायकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, बायकार्पेलरी है दो है बट दोनों फ्यूज्ड है, सिन कार्पस कंडीशन है। तो देखो मैंने फ्लावर को देखा, मतलब ये फॉर्मूला देखते ही मैं समझ गया कि इसमें इतने कैरेक्टर है, यस और नो, ये है फ्लोरल फार्मूला। तो ऐसे हमें चार फ्लोरल फार्मूला याद रखने हैं क्योंकि वो हमारे एनसीईआरटी में दिए चार फैमिलीज के, ठीक है। ये टेक्निकल जो फॉर्मूलाज है वो एक एक फैमिली के सारे फ्लावर्स को लागू पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्रासिकेसी फैमिली है, फाइबेसी फैमिली है और सोलानेसी फैमिली है, और बच्चों है ना आपका क्या बोलते हो जिसको हम लोग लिलियसी फैमिली, तो चार फैमिलीज दी गई। मैं अभी से आपको ट्रिक बता के रख देता हूँ, बड़ा ध्यान से याद रखना है ना, फैबेसी, सोलानेसी और लिलियसी, ये तीन मेन है ना मेन फैमिलीज है। फैबेसी में आपको बेटा एक ही गायनोशियम देखने को मिलता है, दो और यहाँ पे तीन, मतलब ये है मोनोकार्पिलरी, ये है बायकार्पिलरी, ये है ट्राईकार्पिलरी। मतलब जैसे ही आपको थ्री थ्री के मल्टीपल में चीजें दिखाई दे तो बेटा वो लिलियसी का फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ यार, सिंपल ट्रिक एग्जामिनेशन, थ्री थ्री के मल्टीप्लीकेशन में अगर दिखे तो वो लिलियसी फैमिली है। फाइव के मल्टीपल्स में कुछ भी दिखे, मतलब देखो जैसे के फाइव, सी फाइव, ए फाइव, इस तरह से देखने को मिलेंगे, ए टेन, तो ये फाइव के मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे तो बेटा वो सोलानेसी फैमिली है। बट जहां पे मोनोकार्पिलरी ओवरी आपको देखने को मिलती है ना, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है, वो फैबेसी फैमिली है। मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली बेटा चीजें देखने को मिलेगी, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ यार ये है फॉर्मूला। बट मैं एक आपको ड्रॉबैक बताना चाहता हूँ, फ्लोरल फॉर्मूला का ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। देखो मैं किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को देख करके फ्लावर के बारे में ये नहीं बता सकता, ठीक है, कि उस फ्लावर में एस्टिवेशन कैसा है, मतलब पेटल्स और सेपल्स का वेलवेट है, इम्ब्रिकेट है ना, कि ट्विस्टेड है या वेक्सिलरी है, कैसे प्रकार का एस्टिवेशन है, ये मैं नहीं बता सकता। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि मैं प्लेसेंटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल अबाउट द प्लेसेंटेशन, ठीक है। मतलब इस गायनोशियम में जो भी कार्पेल्स है, जो भी ओव्यूल्स है, उसका अरेंजमेंट मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पैराइटल, एक्सियल, प्री सेंट्रल क्या है, ये मैं फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं बता सकता। इज इट क्लियर? यस यस सर, ठीक है। ये दो चीज है, ये बात है ना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अगेन आई विल टेल यू सम ट्रिक। देखो मैंने ये दो मेरे चीज देखने को मिल रही है, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फ्लोरल डायग्राम देखो, यहाँ पे है बच्चों मदर एक्सिस, मदर एक्सिस से लेकर से ये सारा अरेंजमेंट है। ये है बेटा बाहर का एक वर्ल है यार, ये दिस इज अ वर्ल, ये है कैलिक्स, है ना, दिस इज अ कैलिक्स। अब देखो यार मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे कर लिया, मतलब ये बनाया ब्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैक्टिएट है भाई, ब्रैक्टिएट है तो ब्रैक्ट बना दो यार, ब्रैक्ट है। नाउ मैं ये जो है सर्कल जो है इसके कुछ टुकड़े करता हूँ। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं यार, इसको मिटाते हैं, सही बना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा बनाते सही है। लो भाई ऐसे बार बार, अभी भी अच्छा ही बनेगा ऐसी गारंटी थोड़ी कम है, बट फिर भी है ना। नाउ वेरी गुड, तो इसका फायदा ये देखो, ये हमारे पास बन गया बेटा एक सर्कल। अब यार ये सर्कल बाहर का सर्कल है, बाहर का वर्ल है, मतलब कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हम जानते हैं कि कैलिक्स में पांच सेपल्स है और पांचों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। देखो यहाँ वन होगा और यहाँ पे होगा थोड़ा सा, चलो यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक सेपल प्रेजेंट है, दिस इज वन सेपल, This is another sepal, this one is another sepal, ये एक sepal है। But आप notice कर सकते हो कि सारे sepals एक दूसरे से fused है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है in the case of this formula, K5 fused. You can see that, okay, yes. Now again what I will do,
आई विल डू वन डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक और सर्कल बना लेता हूँ बेटा, है ना, वन अदर सर्कल आई विल फॉर्म हियर, दिस इज दैट सर्कल। अरे इस बार तो अच्छा सर्कल बना, बट ठीक है ना, अपने पास टेक्नोलॉजी तो उसको यूज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो इस तरह से बेटा ये सर्कल बना, बट इस सर्कल में मैं एक इरेजर यूज करके बेटा यहाँ से मिटा दूंगा थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से भी। सो व्हाट आई एम डूइंग यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ एक सिंपल सा पॉइंट। देखो ये मैंने बना दिया बच्चों, एक्चुअली अब मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, इसीलिए देखो ये सबके मार्जिन एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब बेटा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों में ही वेलवेट एस्टिवेशन है। यस सर, दिखाना yes, जैसे ही मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया मुझे एस्टिवेशन दिखने लग गया, फार्मूला में दिख रहा था कि अरे नहीं है ना, है ना, मुझे पता नहीं चला, मैंने देखा मतलब जो फ्लावर है जैसा वैसा हम बनाते हैं, तो हम ऐसे नहीं कि मेरे अंदर है ना यहाँ पे बना है तो ठीक है, मुझे फ्लोरल डायग्राम, अगर मैं किसी भी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे उससे पता चलता है। ओके तो यहाँ पे एक स्टेमेन है, यहाँ पे एक स्टेमेन है, यहाँ पे एक स्टेमेन है, ये हो गया 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10। तो इस तरह से बेटा 10 स्टेमेन वाला हमें एरिया मिल गया। राइट नाउ आई विल डू व्हाट, यहाँ पे यार एक सर्कल और बना लेते हैं। Now you can see the circle here, then you can see this is a separation here, now this is a separation here, this is what the bicarpillary bilocular ovary, yes, और यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे और यहाँ पे ovule है। क्या आप बता सकते हो कि मुझे कौन से प्रकार का placentation देखने को मिल रहा है? The answer is it's a parietal placentation, yes or no, है ना? Yes, parietal है ना, क्योंकि वॉल के ऊपर ओव्यूला है, बीच में है ना, बीच में सेपरेशन के एक्सिस से तो आए नहीं, एक्सिस से तो एक्सियल बोलते थे। सो नाउ मुझे दिखाई दे रहा है यार इसमें सारे वॉल मैंने बना दिए, देखो ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है एंडोशियम, ये है गायनोशियम, बाइकार्पिलरी ओवरी बना दिए। बट ठीक है, क्या मुझे फ्लोरल डायग्राम से ये पता चल रहा है कि यार ये फ्लावर हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है ना? नहीं पता चलता। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी बेटा इंसर्शन टाइप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब ओवरी का जो पोजीशन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब ओवरी सुपीरियर है, ओवरी इंफेरियर है, ये कैसे पता चलेगा? फ्रॉम फ्लोरल डायग्राम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द ओवरी, ओवरी सुपीरियर है, हाफ इंफेरियर है, इंफेरियर है, ओवरी कैसी है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल डायग्राम। बट यही चीज मुझे यहां पता चल जाती बेटा, फार्मूला में नीचे अंडरलाइन किया है तो सुपीरियर ओवरी, गायनोशियम के ऊपर ये किया होता तो इंफीरियर ओवरी, करेक्ट है ना? अब देखो मैंने दिखाया दो कार्पेलस इन कार्पस है, फ्यूज्ड कंडीशन है, दिखा दिया यहाँ पे देख लो। तो वॉट एवर देयर इन, देखो ये एक नोटिस करना कि हमेशा मदर एक्सिस से बेटा रिलेटेड में रहता है, यहाँ मदर एक्सिस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एस्टिवेशन दिख रहा है, फ्यूज्ड ये है वो है, सब कंडीशन दिखाई दे रही है। यस और नो, एवरीवन क्लियर है? यस सर। अभी चलो मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया ना, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। देखो ये है मॉडिफिकेशन इस फॉर्मूला का, यहाँ पे बेटा देखो मैंने ए लिखा, यहाँ पे यहाँ सी लिखा और सी के ऊपर ए ऐसे लिख दिया। अरे ये क्या चीज है भाई, इसका मतलब है कि अब मुझे पता चल रहा है कि stamens are attached on the petals, epipetalous condition है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं बेटा, इसका मतलब है कि ये देखो ये ऐसे 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 इस तरह से बेटा अटैचमेंट्स आपको देखने को मिलती है लाइक दिस। ठीक है, तो बेटा ये जो stamen है वो अटैच्ड है, किसको अटैच्ड है ना, ये भी मैं फ्लोरल डायग्राम में दिखा सकता हूँ। यस, That's it, simple. तो ऐसे हमें चार फ्लोरल डायग्राम और चार फ्लोरल फार्मूलास, फोर फ्लोरल फार्मूलास एंड फोर फ्लोरल डायग्राम्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू हैव टू रिमेम्बर देम। और आसान है बहुत, तीन के मल्टीपल में दिखा तो लिलियासी,
पांच के मल्टीपल में दिखा तो सोलान्यासी, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन अगर कहीं पे आपको दिखाई देता है तो फैबेसी की स्पेशलिटी है, ठीक है। एंड लेट्स सी अबाउट द ब्रैसिकेसी। यस एवरीवन। यस सर। ओके। यस सर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्रैसिकेसी फैमिली। देखो हमारी एनसीईआरटी में ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट फ्लोरल फार्मूला लिखा है, फ्लोरल डायग्राम दिखाया है। तो देखो हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं इसको ही, हम लोग क्रूसीफेरी फैमिली भी बोलते हैं। मैं बार बार आपको ये बता चुका हूँ ब्रैसिकेसी फैमिली क्रूसीफेरी फैमिली एक ही चीज है यार, है ना। नाउ मस्टर्ड फैमिली have a 420 genera and all this is not, they will not ask you, okay? Life form के बारे में ये भी नहीं पूछेंगे, so usually herbaceous हो सकते हैं या कम जब बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, है ना, mustard family में। Flowers इसके bisexual होते हैं, now you can understand, mostly regular flower मतलब complete flower होते हैं। बेटा bisexual होते ही मतलब आपको formula याद आ गया, ऐसे लिखना है बस, है ना, symbol। इन्फ्लोरेसेंस, yes, देखो बच्चों टिपिकल रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। अगर आपको याद हो तो मैंने रेसिम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल ही मस्टर्ड दिया था, रेसिम के टाइप का, है ना। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, बट अभी याद रखो ब्रैसिकेसी में रेसिमोस कंडीशन होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि चारों फैमिली, चाहे सोलानेसी हो, ब्रैसिकेसी हो, लिलियासी हो या फैबेसी हो, सब में अल्टरनेट है लीफ का अरेंजमेंट, फाइलोटेक्सी, यस और नो, ये मैंने बता के रखा है पहले से। इसके इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि सब में, चारों फैमिलीज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट है, तो बढ़िया हो गया, सही है ना, ये है ना। अभी कभी कभी बेसल रोजेट भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में बेटा सारे एक दूसरे के ऊपर बंचेस में अरेंज होते हैं सारे लीव्स, है कि नहीं। पत्ता गोभी भी बेटा ब्रैसिकेसी में आता है यार, ब्रैसिका ओलेरासिया, शायद कल ही मैंने यार बताया था शायद, यस और नो, नहीं बताया क्या? आई विल टेल यू इन पीवाईक्यूज़, देयर इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों ये वाला है जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है नीट का, मैंने इसके बारे में आपको पहले से बता के रखा है कि टेट्रा डायनेमस कंडीशन कौन से फ्लावर में आपको देखने को मिलती है। आंसर है बच्चों ब्रैसिकेसी फैमिली। क्या होता है टेट्रा डायनेमस कंडीशन? 2+4, 2 short, 4 long, है ना। एक और कंडीशन मैंने बताई थी एंथर्स की, वो थी डाई डायनेमस, इसमें था फॉर्मूला बेटा 2+2, 2 short, 2 long, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है 2 short, 4 long वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 stamens होते हैं यूजुअली विद द 4 long and 2 short filaments, दैट इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट है गाइनोशियम इज अ सुपीरियर। देखो एक और चीज मैं बता के रखता हूं, जैसे मैंने अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के बारे में बताया, चारों फैमिलीज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, वैसे ही चारों ही फैमिलीज में बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर है, मतलब सुपीरियर ओवरी है सब में, चारों में, हो गया ना आसान। इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके, सुपीरियर ओवरी ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिसेप्टेकल, ठीक है, गाइनोफोर होता है इसमें, लंबा सा रिसेप्टेकल होता है। 2 carpels, देखो बायकार्पेलरी कंडीशन है, फॉर्म 2 chambered कैप्सूल लाइक फ्रूट विद अ परसिस्टेंट सेंट्रल डिवाइडर। तो अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने बार बार बेटा 2-3 बार मैंने सिलिक्वा ये फ्रूट भी पढ़ाया, तब भी मैंने आपको बताया ओवरी के बारे में, जब पढ़ाया तब भी बताया कि ओवरी में कभी कभी फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है, और इसी फॉल्स सेप्टम को हम लोग रेप्लम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेप्लम। ये होता है सिलिक्वा या सिलिकुला जो फ्रूट होते हैं उनमें फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है, और वो फैमिली कौन सी है बेटा? ब्रैसिकेसी फैमिली। तो वो सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 सेपल्स होते हैं, 4 पेटल्स होते हैं, दिखाई दे रहे हैं यार आपको, 1, 2, 3, 4, 4 सेपल्स 4 पेटल दिखाई दे रहे हैं, और आप देखो कि पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है,
पेटल्स वैल्वेट कंडीशन दिखा रहे बट क्रूसीफॉर्म है, क्रॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्रॉस दिखाई दे रहा है. पेटल्स हैव अ क्लॉ एट बेस एंड फॉर्म, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ई ब्रैक्टिएट नहीं है, ई ब्रैक्टियोलेट नहीं है, ब्रैक्टियोल भी नहीं है. एक्टिनोमॉर्फिक, यस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, बिल्कुल बायसेक्सुअल है. के टू प्लस टू आपको दिखाई देता है आपको कैलिक्स में बेटा, ये देखो ये बाहर का है, आउटर आउटर दो है, इनर इनर है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है, बराबर, दो इनर है दो आउटर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्ब्रिकेट टाइप, या तो क्विन क्विंशियल टाइप इसको बोल सकते हैं हम लोग. बट है ना, अगर आप कैलिक्स को देखोगे तो यार C4 को दिखाई दे रहा है, मतलब देखो C4, या कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा C4 ऐसे, मतलब ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये और ये एक दूसरे में क्रॉस आपको देखने को मिलता है. तो C4 A2+4 है, मतलब डाइट है ना, टेट्रा डायनामस कंडीशन है, दो शॉर्ट बाहर की तरफ होते हैं और चार बेटा लॉन्ग है जो अंदर की तरफ होते हैं, सो इसीलिए इसको 2+4 अरेंजमेंट बोलते हैं. एंड लास्ट बेटा गायनोशियम इज अ सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर गायनोशियम आपको दिखाया जा रहा है ना, बायकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, यस और नो, यस एवरीवन, यस सर. मेरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ प्लेसेंटेशन कैसा होता है ब्रासिकेसी फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा होता है, मैंने आपको बता के रखा. कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ द पैराइटल प्लेसेंटेशन, यस, पैराइटल प्लेसेंटेशन को याद रखने के मैंने बोला था आपको, मैक को याद रखो, ये भाई साहब है मैक, है ना, बराबर है, कौन है मैक, मैक में कौन कौन है भैया, मैक में मस्टर्ड है, आर्जिमोन है कि नहीं, तो मस्टर्ड है ना, आर्जिमोन है ना, तो ये ब्रासिकेसी तो है, ठीक है. तो याद रखो ब्रासिकेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन है, जितने भी एग्जाम्पल बेटा ब्रासिकेसी में है वो सारे पैराइटल प्लेसेंटेशन शो करते हैं, इज इट क्लियर, यस सर. अच्छा इसमें देखो याद रखने वाली बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही आपको 2+4 दिखाई देगा एंड्रोशियम में समझ जाना कि ये किसका फॉर्मूला है ना, नॉर्मल है, या तो C4 4 4 4 4 के मल्टीपल में जब भी आपको कुछ दिखाई दे, 4 4 ये नंबर जहां दिखाई देगा वो सारा क्या है बेटा, ब्रासिकेसी है, क्रूसीफेरी, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यार जैसे ये देखो, इसको तो कभी खाया होगा आप लोगों ने, यस, है ना, कॉलीफ्लावर, नहीं रटना पड़ेगा, मैंने बताया ना 2+4 एंड्रोशियम, है ना, आपको चीजें समझ में आ जाती है ना यार, क्या रटना है उसमें, रटने का क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, सिंपल है, चार ही सेपल्स होते हैं, चार पेटल्स होते हैं, C4 K4 सब है ना, और टेट्रा डायनामस कंडीशन है. गायनोशियम तो देखो सुपीरियर बायकार्पेलरी सेप्टम आपको याद रखना है, फॉल्स सेप्टम, रटने की मुझे जरूरत नहीं लगती, देखो आप 2-3 बार सही ढंग से रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा, इट्स सो सिंपल, ठीक है, इट्स सो सिंपल. ट्रिक भी बता के रखी है मैंने, 5-5 के मल्टीप्लाई में 16 है, देखे ना, पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा सर क्लियर है, ठीक है. नाउ देखो यहाँ पे देखो एडिबल जेनेरा है, बहुत सारे खाने लायक, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल आता है यार, है ना, रैपसीड ऑयल जो होता है, कैनोला ऑयल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये देखो ये ब्रोकोली, ब्रोकोली खाते हो आप लोग, ब्रोकोली कंज्यूम करते हो क्या, तो ब्रोकोली एंड ऑल दीज, है ना, ये सब देखो आप, बीट रूट, अब टर्निप, बीट रूट नहीं, यहाँ देखो बेटा टर्निप है, ब्रासिका रैपा, है ना, ये सब जो है बच्चों जितने भी आप लोग देखते हो, है ना, इनमें आपको नोटिस करने को ये मिलता है, आपको बस याद रखना है रेडिश मस्टर्ड और ये जितनी भी पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी जितनी भी है, ये ना ब्रोकोली, इन सबको आप याद रखो कि ये ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक सिंगल फैमिली. नेक्स्ट अब आता है मेन, देखो ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में मैंने जो बोले हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जांपल नहीं पूछेंगे, ठीक है. क्वेश्चन आएगा कि फॉल सेप्टम कौन से फैमिली में आता है, तो आप बोलना सर फॉल सेप्टम याद है, सिलिक्वा, फ्रूट सिलिक्वा, ओके किधर है भैया,
ब्रासिकेसी में है सर, ब्रासिकेसी है ना, दैट इज द सिंपल थिंग. यस ठीक है. टेट्रा डायनामस कंडीशन कौन से फ्लावर में है सर? टेट्रा डायनामस कंडीशन आई नो ब्रासिकेसी. ये दो चीजें आपको बहुत क्लियरली याद रखनी, फॉल्स सेप्टम रेप्लम ठीक है, एंड दूसरा टेट्रा डायनामस कंडीशन ठीक है. नाउ मेन चीजें पे आते हैं. एक्चुअली तीन फैमिलीज आपको अच्छे से बताई गई है आपकी एनसीईआरटी में, फैबेसी सोलानेसी लिलियेसी. नाउ देखो फैबेसी फैमिली के बारे में मैंने हर चीज जब जब पढ़ाई ना तब तब बताई. मैंने जैसे बोला मार्जिनल प्लेसेंटा, अरे मार्जिनल प्लेसेंटेशन जिस भी जगह पे फल्ली आती है, पल्सेस जितने भी डाले हैं ना यार, पल्सेस सब इसमें आता है ना, फैबेसी. नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड एज अ पेपिलियोनिडी. मतलब इसको पहले सब फैमिली का दर्जा दिया था यार, कैटेगरी कैटेगराइज्ड एज है ना पेपिलियोनिडी, बट फिर बाद में उसको है ना इसमें से लेग्यूमिनासी से अलग कर दिया गया और आज हम लोग उसको फैबेसी ये वर्ड यूज करते हैं ठीक है. पहले उसको सब फैमिली के अंडर रखा गया था, बट हमारे एडवांसेस हुए और इनमें छोटे छोटे जो फल आते हैं उनको हमने नोटिस किया और इनको फैबेसी है ना, फाबा विसिया फाबा, तो इनके अंदर बेटा रख दिया. नाउ अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं. जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, ट्रीज है, ये श्रब्स होते हैं या हर्ब भी होते हैं, मतलब छोटे से बड़े तक बहुत सारे अलग अलग. इनकी स्पेशलिटी है कि इनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स बनते हैं, मतलब नोड्यूलेटेड रूट इनकी स्पेशलिटी है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन फिक्सेशन ठीक है, ये सब होता है. स्टेम्स जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं या तो क्लाइंबर होते हैं, टेंड्रिलर भी देखने को मिलते हैं. पी प्लांट में देखो आप टेंड्रिल देखने को मिलता है, स्वीट पी में भी आपको टेंड्रिल देखने को मिलते हैं. तो टेंड्रिल होते हैं तो वीक स्टेम भी होते हैं ठीक है. इनके लीव्स नाउ अंडरस्टैंड दिस, अल्टरनेट लीफ कैसे बेटा, अल्टरनेट याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि चारों फैमिलीज में कौन सा लीफ का पोजीशन फाइलोटैक्सियर है, अल्टरनेट नो नीड ऑफ. बट देखो इनके लीफ पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं या तो सिंपल हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं. बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पल्विनेट मतलब स्वोलन लीव बेस. पल्विनस कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पानी से भरे हुए सेल होते हैं, ये पल्विनेट सेल पल्विनेट लीव बेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो दिस इज एन एक्सेप्शनल थिंग, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस अबाउट द फैबेसी. मतलब इतने देर में मैंने पहली चीज ये बोली जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, पल्विनेस. दूसरी चीज बेटा, इसमें स्टिप्यूलेट लीव्स होते हैं, स्टिप्यूलेट लीव्स होते हैं मतलब लीफ के बेस में छोटे छोटे स्टिप्यूल पाए जाते हैं. तो ये दो अलग चीजें हैं जो हमें समझने, क्योंकि देखो ये फैबेसी डाइकॉट प्लांट है यार, तो वेनेशन तो रेटिकुलेट वेनेशन ही होगा, यस और नो? तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूं, इसमें दो क्वेश्चन पॉसिबल है, एक पल्विनस बेस फैबेसी, दूसरा स्टिप्यूलेट लीव्स फैबेसी. क्लियर है? क्योंकि जो तीन बाकी दो फैमिलीज आने वाली है ना, उनमें एक से स्टिप्युलेट कंडीशन है. मतलब क्या, मतलब क्या, इसी में सिर्फ स्टिप्युलेट कंडीशन है, ये इतना ही और क्या है, है ना? आगे चलते हैं. अभी फ्लोरल कैरेक्टर देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, फ्लावर्स रेसिमोज होते हैं, रेसिम कंडीशन है फैबेसी, है ना? रेसिमोज फ्लावर्स होते हैं बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट दे आर जाइगोमॉर्फिक, ऐसा सिंबल आएगा परसेंटेज का, क्योंकि वेक्सिलरी एस्टैब्लिशन है ना, वेक्सिलरी एस्टैब्लिशन की वजह से है ना आपको बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिला था. कैलिक्स कैसे हैं देखो, पांच सेपल्स है, सेपल्स फाइव, गैमोसेपैलस कंडीशन फ्री है कि फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है ठीक है, दिख रहा है. वेल्वेट एस्टिवेशन या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, वेल्वेट या इम्ब्रिकेट दोनों में से कोई भी एस्टिवेशन हो सकता है. देन कोरोला के बारे में देख लो, पेटल्स फाइव, पॉलीपेटालस, देखो पेटल्स फ्री होते हैं. अब इसमें पेपिलियोनेशियस कंडीशन है, मतलब एक होता है स्टैंडर्ड जो कि बड़ा वाला होता है स्टैंडर्ड, है ना, वन इज स्टैंडर्ड, बाकी दो होते हैं विंग्स और एले,
और बाकी दो होते हैं बेटा उनको बोलते हैं कील या कैरिना। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको फैबेसी फैमिली में ही देखने को मिलता है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, है ना। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फैबेसी फैमिली वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो तीन पॉइंट आपने पकड़ लिए, पहला था पल्विनेट कंडीशन, दूसरा स्टिपुलेट लिप, तीसरा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। देन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी तो सब में है रे। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन कितनी बार पूछता है एंड्रोशियम का, इसमें 10 एंड्रोशियम के स्टेमेन होते हैं, बट कंडीशन होती है बेटा डायडल्फस कंडीशन। अब ये चीज मैंने बताई थी आपको, फैबेसी फैमिली में बेटा 9+1 अरेंजमेंट होता है डायडल्फस कंडीशन। हमने एडल्फी के बारे में पढ़ा, मोनो एडल्फस सारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं फिलामेंट। डायडल्फस बेटा दो ग्रुप बनाएंगे, पॉली एडल्फस दो से ज्यादा ग्रुप बनाएंगे। तो डायडल्फस कंडीशन 9+1 अरेंजमेंट, 9 एक में फ्यूज हो गया, एक सेपरेट होता है, ठीक है। एंथर तो डायथिकस है, ठीक है, डायथिकस है तो है, मैं तो बताया आपको डिफरेंस क्या है डायथिकस का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे डायडल्फस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और यही हमारा क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। नाउ आते बेटा गायनोशियम की तरफ, गायनोशियम देखो ओवरी सुपीरियर है यार, ये तो मैंने आपको बता दिया सब में सुपीरियर ओवरी है। अब यार वो जो मटर का दाने होते हैं, मटर का जो फल होता है, फल्ली होती है, उसको याद कर लो, कितने कार्पेल होते हैं, एक ही कार्पेल होता है, कितने लोक्यूल होते हैं, यूनिलोक्यूलर है, खोल के देखो ना, दाने निकालो मटर के दाने, पता ही चलेगा आपको, विथ मेनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल सिंगल, ठीक है। बहुत सारे बेटा उसमें ओव्यूल पाए जाते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्लासेंटेशन कौन सा होता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन, करेक्ट है। कैसा प्लासेंटेशन है बेटा, मार्जिनल प्लासेंटेशन। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। फ्रूट कैसे आते, फल्ली होती यार, लेग्यूम 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 लेग्यूमिनस, ये लेग्यूम फ्रूट आता है, और क्या, वन टू मैनी, बहुत सारे बेटा, वन टू मैनी मतलब बहुत सारे आपको सीड देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, लेसन मतलब क्लास होगा, उसमें हम लोग सीड के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रूट तो है ना, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो विल स्टडी अबाउट द सीड ऑल्सो। बट आज मैं आपको क्लियर बता दूं, दो प्रकार के सीड होते हैं, तीन होते हैं वैसे, बट अभी मैं दो के बारे में ही बोलता हूँ। कुछ सीड होते हैं जिनका एंडोस्पर्म टिका हुआ रहता है, और कुछ सीड होते हैं जिनका कोटिलेडॉन इतना बड़ा हो जाता है कि एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। इसका मतलब दो प्रकार के बेटा सीड है, एक है एंडोस्पर्मिक सीड, एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। की पॉइंट को समझो, की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि जितने भी डाइकॉट होते हैं, डाइकोटिलेडॉन है, उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। तो बताओ ये कैसा है, फैबेसी है, कैसा है, डाइकॉटिक मोनोकॉट है, डाइकॉट है, तो उसमें सीड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या रे। नाउ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, अब आपके सामने दोनों चीजें है बच्चों, फ्लोरल फार्मूला भी है, फ्लोरल डायग्राम भी है, देख लो, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ई ब्रैकेट कंडीशन, यस आपको बेटा दिखाई दे रहा है, कैलिक्स कैसा है, पांच है, फ्यूज्ड है, गैमोसेपैलस कंडीशन। कोरोला को देखो, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, पांच है, वन स्टैंडर्ड, टू विंग्स, वन कैरिना, ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम के अरेंजमेंट को देखो, यहाँ पे बेटा आप स्टेमेन दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एक दूसरे से फ्यूज्ड है, और ये एक सबसे फ्री है, तो अरेंजमेंट है 9+1, दैट इज अ डाई एडल्फस कंडीशन। ओवरी बेटा जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ में, ठीक है, आपको देखने को मिल रही यूनि, है ना, मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्युलर ओवरी। तो फॉर्मूला कैसा होगा बेटा देखो, है ना, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, है ना, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, परसेंटेज है, क्योंकि जायगोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, K5 मतलब फ्यूज्ड है,
C1+2+2, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1+2+2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्यों, अगर आप देख पा रहे हो ना, ये नीचे वाला जो कील होता है ना, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, आपको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ये फ्री है, विंग्स आर फ्री, स्टैंडर्ड इज फ्री, तो वन इज अ फ्री, स्टैंडर्ड इज फ्री, विंग्स आर फ्री, बट जो कील में जो है ना कैरी ना, दे आर फ्यूज्ड, इसलिए फॉर्मूला याद रखना 1+2+2, यस और नो? यस, ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो फॉर्मूला फॉर एंड्रोशियम के लिए बेटा 9+1 एलिमेंट है, डायडल्फस कंडीशन है. गाइनोशियम इज अ सुपीरियर, गाइनोशियम इज अ सुपीरियर मोनोकार्पेलरी, काम खत्म हो गया, डन, द फॉर्मूला इज ओवर. जायगोमॉर्फिक परसेंटेज बायसेक्सुअल, K5 फ्यूज्ड, C1+2+2 ब्रैकेट, A9+1 डायडल्फस कंडीशन, एंड गाइनोशियम superior ovary, unilocular ovary with a marginal placentation. That's it, done. ठीक है? ये है, आराम से बेटा आप याद रख सकते हो. आपको फोकस रखना है कि A के सामने क्या लिखा हुआ है. अगर A के सामने ये लिखा हुआ है और बेटा C के सामने 1+2+ अंडर, ये देखो, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है जहां आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं, वो फैबेसी का फॉर्मूला है. दैट इज वेरी सिंपल. नाउ आते हैं एग्जाम्पल को याद करना यार, मतलब जो एनसीईआरटी ने जितने एग्जाम्पल दिए हैं ना उतने हमें याद करने हैं. ठीक है, अभी 2 मिनट बाद में याद हो जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो एक कहानी मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी. स्टोरी क्या है, देखो एक फैबेसी नाम का एक पर्सन है, कैरेक्टर है, ठीक है. उसने लगाया बेटा अपने आंगन में एक झूला, है ना, नीले कलर के फाइबर का झूला बनाया, येलो नीले कलर, ब्लू कलर के फाइबर. देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ब्लू कलर, तो है ना एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिगोफेरा, उससे मिलता है बेटा नील. नील जो है ना, आप लोगों ने देखा नील की खेती की जाती है, ठीक है, तो ये है इंडिगोफेरा. इंडिगोफेरा जो है इस प्लांट से हमें नील मिलता है ना. तो नील इज अ कलर इज वेरी फेमस, आप देख सकते हो ये इंडिया में ही पाया जाता है, इसलिए इसको देखो इंडिगो फेरा, ये नाम आप देखो इंडिया. इफ यू कैन नो, यू मस्ट नो अबाउट दिस प्लांट बिकॉज इससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडिया की जो भी है ना मतलब कल्चरल ये सिंबॉल है. सो अंडरस्टैंड दिस डाई, इट्स इंडिगो फेरा, नील बोलते इसको. सेकेंड चीज है फाइबर्स, फाइबर्स भी मिलते हैं जैसे कि सन हेम्प. तो ये जो फैबेसी है नीले कलर के फाइबर पे झूल रहा है, उसके सामने कुछ कैटल्स है, गाय भैंस है ना, वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन करना है बस, दे आर है ना, वो फॉडर खा रहे हैं मजे में, जैसे कि वो खा रहे हैं सेसबानिया ट्राइफोलियम, आज तो बड़ा मजा आया, सेसबानिया ट्राइफोलियम वो खा रहे हैं, ठीक है. तो ये फैबेसी उनको बोलता है ये क्या रोज रोज तुम सेसबानिया ट्राइफोलियम खाते हो, ठीक है, रोज रोज तुम वही खाते रहते हो. तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के जो वहां पे ऑर्नामेंटल प्लांट लगे थे ल्यूपिन और स्वीट पी खाना शुरू कर दिया. कैटल को गुस्सा आया, बोले कि यार क्या बोल रहा है तू, तो यार इसको भी गुस्सा आया, किसे, ये फैबेसी फैमिली को, और गुस्से गुस्से में जोर जोर से लटकने लगा तो बेटा गिर गया. तो उसको फिर हमने मेडिसिन दी, दैट इज अ मुलियाथी, ठीक है. देखो हड्डियां टूट गई, बहुत ही जख्मी हुआ, इसीलिए उसको प्रॉपरली जल्दी रिपेयर हो इसलिए प्रोटीन्स खिलाया. प्रोटीन्स मतलब पल्सेस, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब बेटा पल्सेस है, ये सब हमने खिलाया. और उसको बॉडी मजबूत हो, हड्डियां मजबूत हो, इसीलिए उसके ऊपर तेल मालिश किया, वो था सोयाबीन का ऑयल और ग्राउंड नट का ऑयल, ठीक है. नाउ यू विल रिमेम्बर दिस स्टोरी वेरी क्विकली. फैबेसी नीले कलर के फाइबर पे झूल रहा था, कैटल सामने सेसबानिया ट्राइपोलियम खा रहे हैं, ST ST सेसबानिया ट्राइपोलियम, एंजॉय पार्टी, ठीक है. इसने बोला ये क्या तुम रोज सेसबानिया ट्राइपोलियम खाते हो, है ना. इन्होंने गुस्से में बोला अच्छा तो दे ल्यूपिन और स्वीट पी खाने लग गए, तो है ना जो ऑर्नामेंटल प्लांट है अच्छे वाले, है ना, उनके फ्लावर्स वगैरह बढ़िया आते हैं, तो वो सब खाने लग गए यार. तो इसको भी गुस्सा आया, तो ये जोर जोर से है ना
वहां से उतरने की कोशिश किया और गुस्से गुस्से में नीचे गिरा, हड्डियां टूटी। तो उसको बेटा हम लोगों ने मेडिसिन दी, मूलियाथी, प्रोटीन्स खिलाए, पल्सेस, और बेटा ऑयल लगाया बॉडी के ऊपर, सोयाबीन और ग्राउंड नट। कैन यू रिमेम्बर दिस स्टोरी? यस, कैन यू रिमेम्बर दिस? इंडिगो फेरा डाई, नीले कलर का फाइबर है, फाइबर सन हेम्प। यस एवरीवन, यस सर। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर दिस यू कैन रिमेम्बर ऑल द एग्जांपल्स। कैन यू आस्क, कैन आई आस्क यू ऑल क्वेश्चंस? बेटा मैं अगर ये पूछूं कि यार इंडिगो फेरा में किस प्रकार का फाइलोटैक्सी होता है, आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता है इंडिगो फेरा फाइबेसी है, तो अल्टरनेट होता है, और क्या होता है, है ना। सेस्बानिया में कैसा होता है? सेस्बानिया में सर सुपीरियर ओवरी होती है, 9+ वाले अरेंजमेंट होगा। ओके, मतलब फैबेसी फैमिली का फॉर्मूला ही एंड्रोशियम डायडल्फेस कंडीशन है, तो आपको तो सब में ये दिखे देगा, लिपुइन में भी है, स्वीट पे में भी है, मुलियाती में भी है, एवरीवन में, तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस यस सर, है ना। नाउ देखो, है ना, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे चलते, इसको देखो थोड़ा सा। तो बताते बेटा सोलानेसी फैमिली की तरफ। सोलानेसी फैमिली बहुत ही, देखो सिंपली हम लोग बात करें, सोलानेसी फैमिली में क्या है यार, इट इज अ लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है सोलानेसी, कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। पोटैटो लोगों की फैमिली है ना, जैसे फैबेसी फैमिली पी वाली फैमिली, पी प्लांट्स की, वैसे सोलानेसी पोटैटो फैमिली है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, इवन टेम्परेट, मतलब हर जगह पे बच्चों इसकी जो है फैमिली आपको देखने को मिलती है, मतलब सारे अर्थ के ऊपर पोटैटो तो खाते ही है लोग हर जगह पे। नाउ देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करोगे तो ये थोड़े से है ना, मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, रेयरली ट्रीज होते हैं, ट्रीज आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपको सोलानेसी फैमिली में। स्टेम जो है हर्बेशियस होगा, क्योंकि हर्ब है तो यार हर्बेशियस होगा, रेयरली वुडी होगा, है ना, यहाँ पे फिर से ठीक है। तो स्टेम जो है हर्बेशियस होता है, वुडी नहीं होते, एरियल मतलब अंडरग्राउंड स्टेम आपको ज्यादा करके देखने को नहीं मिलते, है ना। इरेक्ट स्टेम होगा, सिलेंड्रिकल हो गए, गोल गोल स्टेम होंगे, ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी स्टेम को। देखो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, सॉलिड या हॉलो, मतलब स्टेम अंदर से कभी कभी हॉलो भी होता है, मतलब जो हर्ब होते हैं उनके स्टेम अंदर से हॉलो होते हैं, पाइप जैसे। हेरी या तो ग्लैबरस, हेरी का मतलब होता है स्टेम के ऊपर या तो छोटे छोटे हेयर्स होंगे या तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम चिकना होगा, तो ग्लैबरस, ठीक है। सो हेरी और ग्लैबरस ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हेयरलेस ग्लैबरस ऐसा बोल सकते हैं। देन अंडरग्राउंड स्टेम जो है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम आपको देखने को मिलेगा इनकेस ऑफ द पोटैटो, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा बनते नहीं है, है ना, बट यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। देखो लीव्स अल्टरनेट है, कैसे है बेटा अल्टरनेट, ये तो आपको पता हो गया। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचा देता हूँ, सिंपल लीफ होते हैं सबके, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होगा, तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है रे, एक्स स्टिपुलेट, हैबेसी में क्या लिखा था, अल्टरनेट एंड स्टिप्यूलेट, यहाँ पे क्या लिखा है, अल्टरनेट एंड एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब लीफ के नीचे, लीफ के एक्सिस में छोटा स्टिप्यूल वगैरह नहीं होता, नहीं होता। वेनेशन रेटिकुलेट होगा, क्योंकि ये भी डाइकॉट है यार सारे, क्योंकि ये डाइकॉट है तो वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली बेटा ये है, आपको दिखाई देता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो फैबेसी में भी रेटिकुलेट था, इसमें भी रेटिकुलेट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहां पे बेटा अल्टरनेट था, यहाँ पे भी अल्टरनेट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहां स्टिप्यूलेट था, यहाँ एक्स स्टिप्यूलेट है, प्रॉब्लम है, है ना। वहां पल्विनस बेस था, यहाँ नहीं होता। अच्छा, वहां इन्फ्लोरेसेंस कैसा था, रेसिम टाइप था, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, ये अलग है। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं, सॉलिटरी का क्या मतलब है, सिंगल फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा, गुच्छा नहीं होगा। एक्सिलरी, एक्सियल में आ जाएंगे, टर्मिनल या एक्सियल, ठीक है, इस तरह से सिंगल फ्लावर होते हैं। और या तो होगा बेटा साइमोज, रिमेम्बर वहां रेसिम था, यहाँ साइमोज होता है, रेसिम साइमोज। अगर आप ब्रासिकेसिस शुरू करोगे तो रेसिम रेसिम साइमोज, करेक्ट है,
आपको कैसे बोलना है, रेसिम रेसिम साइमोस साइमोस, क्यों रेसिम रेसिम साइमोस साइमोस, मतलब ब्रासिकेसी में रेसिम है, एबेसी में रेसिम है, सोलानासी में साइमोस है, और बेटा लिलियासी में साइमोस है। तो क्या बोलोगे आप, रेसिम रेसिम साइमोस साइमोस, दैट्स इट, डन। यस, नाउ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बट यहाँ फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है ना, ऐसा होगा यहाँ पे, है ना, फैबेसी में परसेंटेज था, जायगोमॉर्फिक था। कैलिक्स देखो यहाँ पे पांच सेपल है, मैंने बता दिया आपको पांच में फॉर्मेट में बोलना है, अभी फाइव फाइव सेपल्स, फाइव यूनाइटेड गैमोसेपल्स, परसिस्टेंट कैलिक्स बेटा, ब्रिंजल का एग्जाम्पल मैंने दिखाया था और यहाँ ब्रिंजल है ना, चिली का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे चिली है, सब में बेटा परसिस्टेंट कैलिक्स आपको देखने को मिलता है। वेलवेट एस्टिवेशन है, वहां पे भी वेलवेट था, यहाँ पे भी वेलवेट है, कैलिक्स में कुछ फर्क नहीं है। कोरोला, इसमें पांच पेटल्स है, पांचों यूनाइटेड होते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन, वेलवेट एस्टिवेशन, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब में वेलवेट है यहाँ पे, है ना, दैट्स इट। नाउ आते हैं बेटा एंड्रोशियम की तरफ, इसमें पांच स्टेमेंस है, ये कंडीशन है जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, एपिपेटलस कंडीशन। So they will ask you about the epipetalous condition and this is present only in case of the Solanaceae. ठीक है, तो ये extra चीज है जो epipetalous condition है, जो आपको Solanaceae family में ही देखने को मिलती है। Gynoecium bicarpellary है, syncarpus है, ovary superior है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ovary superior सब में है, bilocular है ovary, है ना, क्योंकि bicarpellary है। अब यहाँ पे इसकी special बात ये है बेटा, दे हैव अ स्वोलन एंड अ प्लेसेंटा। जब भी आप इसकी ओवरी को देखोगे, ओवरी में बेटा इनका जो प्लेसेंटा होता है ऐसा ऑब्लिक होता है और बेटा स्वोलन प्लेसेंटा होता है, क्योंकि मदर एक्सिस के हिसाब से ये ऑब्लिक है, आपको बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक सेप्टम। तो ये स्पेशलिटी है बेटा, दो स्पेशलिटी याद रखो, एपिपेटलस एंड्रोशियम एंड ऑब्लिक सेप्टम स्वोलन प्लेसेंटा, स्वोलन सोलानासी, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है, स्वोलन प्लेसेंटा कहाँ देखने, सोलानासी में देखने को मिलता है। अच्छा, फ्रूट कैसे हैं, तो इसमें फ्रूट होता है बेरी, कैप्सूल, टोमेटो इसमें ही है, ब्रिंजल इसी में है, चिली इसी में है, सारे बेरी है, है ना, कैप्सूल, बेरी और कैप्सूल। अभी देखो इसमें मैनी सीड्स है, और मजेदार बात है बेटा कि ये एंडोस्पर्मस है, ऑल्दो इट इज एन डाइकॉट, यही तो याद रखना है। फिर से देखो, फैबेसी में था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यहाँ पे कैसा है बच्चों, एंडोस्पर्मिक सीड है। तो यहाँ स्पेशल चीजें क्या है, है ना, एपिपेटलस कंडीशन स्पेशल है, स्वोलन प्लेसेंटा, ऑब्लिक सेप्टम इज अ, है ना, इज अ स्पेशल थिंग हियर, यहाँ स्पेशल ये है, और एंडोस्पर्मस सीड बेटा ये स्पेशल है। मेनी सीड्स आर देयर, आप ब्रिंजल देखोगे, टोमेटो देखोगे, चिली देखोगे, सब में बहुत सारे सीड होते हैं एक साथ, सिंगल सीड वाले फ्रूट तो होते नहीं इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द एंटायर थिंग। नाउ देखो फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान होगा, ई ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टियोलेट, दो ही चीजें नहीं है, एक्टिरोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। Now you can see there K5, five में bracket में है, पांच sepal से पांचों fused है, gamosepalous condition, velvet aestivation आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। C5 आपको दिखाई दे रहा है, देख लो आपको बेटा सारे, है ना, पांचों petal है, पांचों fused है, bracket में है। Now A5 बेटा पांच androecium है, 1 2 3 4 5 पांच stamen है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द एपिपेटलस कंडीशन। तो देखो यहाँ पे आपको बेटा दिखाई दे रहा है कि ऑल दीज स्टेमेंस आर अटैच्ड ऑन द पेटल्स, दैट्स इट, एपिपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम कैसा है, तो गाइनोशियम बेटा बाइकार्पेलरी सुपेरियर सिनकार्पस है विद द ऑब्लिक सेप्टम है, आप देख सकते हो, ये देखो इन्होंने बनाया ऑब्लिक, है ना, इस तरह से प्लेसेंटा। Now the most important point is it has the axile placentation. Yaad karo beta, brassicaceae mein parietal placentation, fabaceae mein marginal placentation, solanaceae mein axile placentation. Done. Done. Yes, everyone.
एपिपेटलस कंडीशन कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? सोलानेसी में। ऑब्लिक सेप्टम ऑब्लिक प्लेसेंटा किधर है? सोलानेसी में। अच्छा सीड कैसा होता है? एंडोस्पर्मस होता है सर। अच्छा डायकॉट है तब भी? हाँ यही तो याद रखना है। देन फार्मूला कैसे याद रखोगे? फार्मूला बहुत आसान है, इसमें पांच 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 है सब तरफ, फाइव 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 फाइव, गायनोशियम को छोड़ के, गायनोशियम बायकार्पेलेरिया सुपेरियर तो है सब में, हाइपोगायनस फ्लावर सब में है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ ओके थिंग्स और दिस एग्जाम्पल क्या है? देखो सोलापुर चले जाओ, सोलापुर सोलानेसी फैमिली, तो सोलापुर में सोलानेसी फैमिली रहती है ना। वहां पे जब भी पार्टी होती है तो पार्टी में मेनू होता है आलू बैंगन की सब्जी। तो सोलानेसी के घर में बहुत जबरदस्त पार्टी है यार, और उन्होंने क्या बनाया? उनका फेवरेट मेनू है बेटा आलू बैंगन की सब्जी, ब्रिंजल पोटैटो। ये आप देख सकते हो, ये देखो ब्रिंजल पोटैटो, और उसमें डाला खूब सारा टोमेटो काट करके, वेरी गुड। बट वो लोग बहुत तीखा खाते हैं, उनको ऐसे मतलब पंचड़ नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा दिया ऐसा नहीं है ना, दे नीड टू मच है ना, एकदम स्पाइसी। सो उन्होंने ऐड किया भयंकर चिली, बहुत ज्यादा, बराबर है ना। अब पार्टी शुरू हुई, सबने टोमेटो डाल करके ब्रिंजल ये वो एकदम लाल लाल तर्री जैसी एकदम सब्जी बनाते हुए सिखा गए, ठीक है। उसमें कुछ और भी महानुभाव पार्टी वाले थे, उन्होंने फ्यूमिगेटरी मतलब उसके बाद में भाई जो है जो टोबैको है वो भी एकदम चूना लगा के खा डाला, व्हाइट कलर का चूना लगा के टोबैको है ना। तो पार्टी के बाद में अच्छा है ना इस तरह से। अब ये सब इतना खाया पार्टी में जोश जोश में कि भाई थोड़ी देर बाद में इनका पेट फूल गया, पेटूनिया, इट्स ऑर्नामेंटल प्लांट, अंडरस्टैंड दिस, पेटूनिया, पोट पेटूनिया उतले, दैट्स इट है ना। सो इट्स वेरी सिंपल, टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो सब्जी बनाई, चिली डाली, टोबैको भी खा लिया, अब बेटा पेट में जलन हुई पेटूनिया, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया गया बेलाडोना अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है? वाइटानिया सोमनिफेरा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मेडिसिन है ये, आयुर्वेदिक है ना। तो क्या आपको एग्जांपल याद है बेटा सोलानेसी के? बहुत आसान है यार, बहुत इजी है, टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल चिली है ना, बेलाडोना अश्वगंधा टोबैको एंड पेटूनिया, पेटूनिया इज ऑर्नामेंटल प्लांट, करेक्ट है? यस एवरीवन, यस सर, है ना। तो आपको बेटा याद हो गया, इंडिको फोरा उधर है वेबेसी में, यहाँ पे पेटूनिया है, ठीक है। स्वोलन प्लेसेंटा कहाँ देखने को मिलता है? सोलानेसी में। ऑब्लिक प्लेसेंटा सर सोलानेसी में। एपिपेटलस सर सोलानेसी में। अच्छा पांच 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 सर सोलानेसी में। ओहो सिंपल है ये तो, ठीक है। सीड कैसा होता है इसका? एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मस? आंसर इज नॉन एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मस? आंसर इज बोलो एंडोस्पर्मस सीड। यस डन, ठीक है। अच्छा लिलियसी के बारे में कौन सा नंबर बता के रखा है मुझे, इतना बोल दो, विच नंबर लिलियसी में क्या नंबर बताया? थ्री है ना, थ्री, याद रखो आपको हो गया अभी काम आपका, ठीक है। लिलियसी में तीन याद बन गया, ठीक है। तो जब हम लोग लिलियसी फैमिली के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको चीज देखने को मिलेगी, कॉमनली कॉल्ड एज अ लिली फैमिली, लिली की फैमिली है और क्या, इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉट। यहाँ पे अब नोटिस करना, ये मोनोकॉट है, अंदाजा लगाओ इसका सीड कैसा होगा। मैंने अभी ट्रिक बताया था, डाइकॉट में हमेशा नॉन एंडोस्पर्मिक होता है और मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो हो गया आपका काम ही हो गया, मतलब नॉन एंडोस्पर्मस एंडोस्पर्मस एंडोस्पर्मस, समझ में आया ना ये, पेपेसी सोलानेसी लिलियसी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वेजिटेटिवली अगर आप देखोगे तो ये वाले जो प्लांट होते हैं ये होते हैं पेरेनियल, पेरेनियल मतलब बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म, राइजोम, ये सब इनमें पाया जाता है, बल्ब, अनियन, गार्लिक, इसी में आते हैं, अनियन भी इधर ही आता है, गार्लिक भी इधर ही आता है, लिलियसी फैमिली के मेंबर है वो,
अनियन गार्लिक, ठीक है। लीव्स मोस्टली बेसल, अब यहाँ पे देखो यार ये लीव्स बेसल अल्टरनेट होते थे, अगर मैंने यहाँ पे अगर बेटा ये ड्रॉ किया ऐसे देखो जैसे हम लोग रेडिश वगैरह ड्रॉ करते हैं, रेडिश लिलियासी में नहीं आता बट देखो लीव्स यहाँ पे बता देता हूँ, तो बेस से अराइज आते हैं ये रूट अंडरग्राउंड है यहाँ से बेटा, इवन प्याज में अनियन में भी ऐसा ही होता है, तो बेसल लीव्स होते हैं बट अगर देखो उनका अरेंजमेंट तो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है बट बेसल और लीनियर लीव होते हैं, एक एक सिंगल लीव ऐसे आपने कभी देखा ही होगा लीनियर लीव, प्याजा खाया होगा अनियन का, ठीक है। तो इन सब में जो लीव्स होते हैं वो सिंगल ऐसे लाइन जैसे मोनोकॉट में तो लीनियर लीफ ही होता है आपको तो पता है। नाउ देयर इज अ पॉइंट यू कैन सी वेरी केयरफुली, बच्चों बताओ तो कैसी कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक्स स्टिपुलेट, मैंने क्लियर किया स्टिपुलेट एक्स स्टिपुलेट एक्स स्टिपुलेट, करेक्ट है ना, सिर्फ स्टिपुलेट कंडीशन फैबेसी में थी, यहाँ पे एक्स स्टिपुलेट है विद द पैरेलल वेनेशन। देखो यार मोनोकॉट में हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है, ये मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन है, बाकी जो डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, दैट्स इट, वेरी नॉर्मल थे। नाउ देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली इसका इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी वैसा ही जैसे कि सोलेनासी में, या तो बेटा साइमोज है, अंडरस्टैंड दिस साइमोज इसमें भी है, मैंने बताया ना आपको रेसिम रेसिम साइम साइम, करेक्ट है, बट इसमें एक स्पेशल चीज है ऑफन अम्बेलेट क्लस्टर्स। नाउ देखो अम्बेल होते हैं बट अम्बेल के क्लस्टर जो है आपको इनमें देखने को मिलते हैं, तो ये एक स्पेशल चीज है जो आपको याद रखनी है लिलियासी के बारे में। तो फ्लावर्स कैसे हैं, सेम सोलानेसी जैसे बायसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। यहां मुद्दा जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस केस में आप सेपल और पेटल इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पे सेपल्स और पेटल्स दोनों ही कलरफुल होते हैं, सेपल्स का जो भी कलर है ना वो पेटल्स के कलर जैसा होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा इट्स कॉल्ड एज व्हाट द पेटियोलॉइड सेपल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है पेटियोलॉइड सेपल का, बताओ। पेटियोलॉइड सेपल, आमतौर पे सेपल ग्रीन होते हैं ना, यूजुअली द सेपल्स आर ग्रीन बट हियर The sepals are colorful like petals, so they are petal-like sepals. So we say them as a petaloid sepal. इसीलिए so that we cannot differentiate between the calyx and corolla. So we don't use the word calyx and corolla. We directly use here perianth. क्या use करते हैं? We'll use the word that is what the perianth. You can see this is the word perianth. ठीक है, और पेरियांथ के एक एक यूनिट को ना सेपल कहेंगे ना पेटल कहेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट द टेपल्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेपल, यू नो दिस इज अ पेरियांथ, वॉल इज अ पेरियांथ, यूनिट इज अ टेपल, हाउ मेनी टेपल्स, सिक्स। नाउ सी द अरेंजमेंट, 3+3, 3 बाहर की तरफ है और 3 अंदर की तरफ है, ये अंदर वाले 3 जो है ये पेटल्स है, ये बाहर वाले 3 में 3 है ये सेपल्स है, बट अभी क्योंकि वो एक जैसे ही है एक ही कलर में दिखाई दे रहे हैं, सो इसीलिए ना उनको मैं सेपल कहता हूँ ना मैं बेटा उनको पेटल कहता हूँ, इनको मैं कहता हूँ टेपल, क्या कहते हैं बेटा इनको हम लोग, टेपल, ठीक है। सो दे आर ऑफन यूनाइटेड है ना, वो हमेशा गैमो कंडीशन में होता है एंड फॉर्म द ट्यूब है ना, और एस्टिवेशन बेटा आपको वेल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। नाउ देखो सोलानेसी में वेल्वेट वेल्वेट इधर भी वेल्वेट, ठीक है, वेल्वेट एस्टिवेशन है, मतलब आप आराम से इसको याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फैबेसी में वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको क्लियरली दिखाई देती है, तो वहां पे भी आपको वो तो उसकी स्पेशलिटी है। नाउ अगर आप एंड्रोशियम को भी देखो तो बेटा उसमें एंड्रोशियम भी 3+3 होते हैं, ठीक है, और मजेदार बात यहां पे इपीटेपेलस कंडीशन है, मतलब क्या है कि स्टेमेंस आर अटैच्ड, देखो सोलानेसी में इपीपेटेलस कहा हमने और यहाँ पे क्या कह रहे हैं इपीटेपेलस कंडीशन, सो दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस। तो गायनोशियम देखो, गायनोशियम के बारे में बात करोगे तो इट्स अगेन 3 ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस फ्यूज्ड है, ओवरी सुपेरियर, सब में सुपेरियर है, ट्राइलोक्युलर 3 चेंबर होते हैं विथ मेनी ओव्यूल्स, ठीक है, बट एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन बोल दो रे
ब्रासिकेसी में कैसा था, पेराइटल, हेबेसी में मार्जिनल, सोलानासी में एक्सियल, इसमें एक्सियल, तो हो गया। क्योंकि प्लेसेंटेशन बहुत बार पूछते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूट इसमें कैप्सूल है या तो रेयरली बेरी है, वहां पे बेरी या तो है ना सोलानासी के कंपैरिजन में, एंड सीड्स आर एंडोस्पर्मस सीड्स, सिंपल। ठीक है, यस एवरीवन, थ्री थ्री का फंडा है। अब यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे फॉर्मूला है ब्रैक्टीएट, ब्रैक्ट है एक्टिनोमार्फिक बायसेक्सुअल फ्लावर, पेरियांत 3+3, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देना है ना, क्योंकि पहले जो फॉर्मूला दिया था वो ऐसा दिया था, ब्रैकेट नहीं था, अभी ब्रैकेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये फ्यूज्ड है यहाँ पे, है ना, सारे टेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है बेटा, आप देख सकते हो, ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, सो इट इज ऑलवेज अ गैमोटेपेलस कंडीशन, सारे एक दूसरे से फ्यूज्ड है। देन एंड्रोशियम का भी अरेंजमेंट 3+3 है ना, तीन बाहर की तरफ है बेटा और तीन अंदर की तरफ है इस तरह से, बट ऑल आर द अटैच टू द टेपल्स, सो दिस इज व्हाट द आर्क हियर, इपीफाइलस, इपीटेपेलस कंडीशन। गाइनोशियम इज अ सुपेरियर गाइनोशियम, ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम बस, है ना, एंड सिनकार्पस कंडीशन, दैट्स इट, डन। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है, ये देखो, ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ट्राइकार्पेलरी ओवरी है, सो यू हैव रिमेंबर दैट, सी आई विल राइट डाउन द फेबेसी सोलानासी लिलियासी 1 2 3 मोनोकार्पेलरी बायकार्पेलरी ट्राइकार्पेलरी, सिंपल, तीनों ही सुपेरियर सुपेरियर सुपेरियर, हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस, अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, सिंपल, है ना, रेसिम साइम साइम, रेसिम साइम साइम, है ना, सब में रेसिम साइम साइम है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्मिक सीड, यस क्लियर है आपको पॉइंट, आपको क्लिक हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ लिलियासी फैमिली नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं अगर मैंने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इन्फ्लोरेसेंस ये टर्म लिया तो चारों फैमिली में कौन से प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है वो याद रखता हूं, तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है। ठीक है, क्योंकि चारों को कंपेयर करके क्वेश्चन आता है, तो हमें भी वैसे ही पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी द सेम वे, यस एवरीवन, है ना, यस सर। नाउ सी एग्जाम्पल्स क्या है इसमें, देखो लिली 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 एक गर्ल का नाम है, तो इसके ऊपर मैंने सोचा ऐसे, लिली बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, तो मैंने उसको बोला कि यार लिली इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लिली एक सुंदर सी लड़की है, शी हैज टू लिप्स एंड ग्लोरियस फेस, ठीक है, शी हैज टू लिप्स एंड ग्लोरियस फेस, यू कैन सी द फ्लावर ऑर्नामेंटल प्लांट, an ornamental plants, you can see tulip and gloriosa, can you see, yes, hai na, tulip and the gloriosa, then she maintain her beauty by using the aloe vera gel and hai na, having the asparagus, asparagus ek medicinal plant bhi hai, to asparagus, theek hai, so it's very simple again, asparagus from shatavari kehte hai, ठीक है, सो फीमेल के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन होता है, सो देखो लिली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज अ टू लिप्स एंड ग्लोरियस फेस, शी मेंटेन हर ब्यूटी बाय यूजिंग एलोवेरा जेल एंड एस्पेरागस, शी हैज अ बॉयफ्रेंड कोल्चिसिन, है ना, ऑटमनेल एंड टू ब्रदर्स अनियन एंड गार्लिक, ठीक है, उनको जब ये पता चलता है तो इसको कोल्चिकम को पकड़ के बौद्ध होते हैं, ठीक है, सो दैट इज द स्टोरी, यू कैन रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स, यस और नो, है ना, तो तीन स्टोरीज बताई है मैंने, और तीनों स्टोरीज तीन अलग अलग फैमिलीज की है, ठीक है, अनियन गार्लिक मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको अगर मतलब क्वेश्चन आए, क्योंकि है पूछा गया है इसलिए हमने उसको ऐड किया है। देखो कोल्चिसिन के बारे में एक बहुत अच्छे से याद रखना, कोल्चिसिन एक माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन है, इट इज एन माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन, मतलब जब भी सेल का माइटोसिस होता है ना, जब सेल माइटोसिस करके क्रोमोसोम को अलग अलग करना चाहता है,
तो स्पिंडल बनाता है, तो स्पिंडल को बेटा इनएक्टिवेट कर देगा ये, ठीक है, इट विल इनएक्टिवेट द स्पिंडल, और इसीलिए सेल का, ठीक है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते, माइटोसिस पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं उसको माइटोसिस स्पिंडल पॉइजन, है ना। आई विल राइट डाउन हियर, कोल्चिसिन के बारे में हम लोग बात लिख रहे हैं, कोल्चिसिन इज अ माइटोसिस स्पिंडल पॉइजन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजीज टेक्निक पढ़ते हैं, तो तब बेटा हम लोग कोल्चिसिन का यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हमें टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, 6n, 4n ऐसे प्लांट्स तैयार करने हैं, तो हम उसको बेटा डीएनए रेप्लिकेट करने को लगा देते हैं, और फिर बेटा, है ना, कोल्चिसिन डाल करके उसका, है ना, सेल डिविजन रोक देते, तो वो सेल डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। 2n है, वो क्या करता है, अभी 2n है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेगा, डीएनए डबल कर लेगा, और फिर सेल डिवाइड करते समय हम पॉइजन डाल देंगे, तो वो बेटा, है ना, जो 4n कंटेंट बनाया उसी सेल में रह जाता है, तो सेल 4n, तो वी इंक्रीज द प्लॉयडी, एंड सो दैट दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीड्स, सीड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के बारे में, एंड देन इन दैट सेम लेक्चर विल सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बट आज मैं आपको इसके असाइनमेंट भेज दूंगा, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है इस चैप्टर के, तो आप आज से ही वो सॉल्व करना शुरू कर दो। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट है? यस एवरीवन? नो सर। ओके, तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर, टाइम टेबल में लिखा है कि 6:15 को भी आपका लेक्चर है। हेलो।